आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के महान डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेद रिसर द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म मरजावा मूवी के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म के हिंदी रिलीज डेट के बारे में और इस फिल्म की पोस्टर कब रिलीज की गई थी ये भी हम आपको बताने वाले हैं हाल ही में आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनसुनी बातें बताने वाले हैं जिससे मरजावा मूवी के बारे में अभी अभी निकाली गई है जी हाँ दोस्तों हम फिल्म के बारे में कुछ 10 ऐसे इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स आपको बताने जा रहे हैं जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम मरजावा मूवी के बारे में इसके बजट के बारे में भी खुलासा करेंगे साथ ही साथ फिल्म ने अब तक दुनिया भर में कितने की कमाई की है और ये आगे चलकर कितने की कमाई कर सकती है ये सभी बातें आज के हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगर हम कभी भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो इससे शेयर भी कर दीजिएगा और आप सभी में से किस किस को सिद्धार्थ मल्होत्रा सर द्वारा अभिनीत फिल्म पसंद आती है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मरजावा जो कि 2019 की हिंदी भाषा में बनाई गई खुद की एक रोमांस एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें मिलाप मिलन जावेरी द्वारा लिखित और निर्देशित कई सारे बोल है और इनमें एंटरटेनमेंट टी सीरीज द्वारा निर्मित किया गया है मर सितारों में सिद्धार्थ मल्होत्रा देशमुख और तारा सितारिया मैम के साथ साथ रकुलप्रीत सिंह मैम भी फिल्म में मुख्य भूमिका में है इसे सह निर्माता भूषण कुमार ने मला और मशाला और प्रेम कहानी के रूप में वर्णित किया है फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर बेवर और वही बॉक्स ऑफिस पर व्यवसायिक रूप से औसत से नीचे थी मरजवा का संगीत एल्बम टी सीरीज के तहत जारी किया गया था और इसके गाने तुम ही आना थोड़ी जगह और के साथ सबसे बड़े चार्टबस्टर में से एक बन गए वहीं इस फिल्म के गाने तुम ही आना और थोड़ी जगह YouTube पर भी बहुत ही ज़्यादा तेजी से वायरल होने लगे पीओ दत्त के और आइटम नंबर एक तो कम जिंदगानी ने चार्ट बटोर रहे थे वहीं एक तो कम जिंदगानी में नोरा फतेही के डांस को लेकर दर्शकों ने खूब इंजॉय किया इसे भारत में पेन एंटरटेनमेंट और विदेशों में रोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित किया गया था वहीं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 7 दिसंबर 2018 को शुरू हुई जब मल्होत्रा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीर साझा की थी दूसरा शेड्यूल जनवरी के माध्यम से शुरू होने वाला है और मार्च 2019 तक समाप्त हो जाएगा वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा एक दर्जन गुंडों के साथ शूटिंग कर रहे हैं और एक्शन मोड में आ गए थे स्टंट टीम एक बॉडी डबल के साथ शूट करना चाहती थी क्योंकि सिद्धार्थ की, की पीठ और कंधे में आग लग गई थी लेकिन वह इसे प्रामाणिकता दिखाने और अपने चरित्र के प्रति सच्चे रहने के लिए खुद सीन करने पर अड़े रहे थे और आखिरकार वो सिंह सिद्धार्थ मल्होत्रा सर ने खुद की थी और उस सीन के लिए कोई भी डबल बॉडी नहीं रखा गया था वहीं नवंबर 2019 और 19 में देशमुख ने खुलासा किया कि शाहरुख खान ने बोने के रूप में पूर्व की भूमिका के लिए कुछ बी एफ के साथ प्रोडक्शन टीम की मदद की थी सिद्धार्थ ने 15 मार्च 2019 को गानों को छोड़कर अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की थी उन्होंने एक हार्दिक संदेश के साथ क्रियो के साथ एक तस्वीर पोस्ट करके इस खबर की घोषणा भी की थी फिल्म का आधिकारिक पोस्टर 30 अक्टूबर 2018 को सिद्धार्थ मल्होत्रा द्वारा साझा किया गया था, जिसमें 8 नवंबर 2019 को रिलीज की तारीख की घोषणा भी की गई थी और वहीं 5 अगस्त 2019 को यह बताया गया कि मल्होत्रा ने घोषणा की और घोषणा की कि टाइगर अभिनेत्र सिद्धार्थ आनंद की बड़े बजट की फिल्म वॉर के साथ टकरा और वही टकराव से बचने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और साथ ही साथ फिल्म में देरी हो रही थी श्रॉफर ऋतिक रोशन लेकिन रिलीज की तारीख की पुष्टि नहीं हुई थी श्रॉफ सर और ऋतिक रोशन सर द्वारा अभिनेत इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा एक्शन प्रभाव दृश्य भी शामिल थे वहीं इस फिल्म को वॉर फिल्म के बाद रिलीज करने की पुष्टि भी की गई थी जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा सर ने खुद की थी और वहीं 23 अगस्त 2019 को मल्होत्रा द्वारा पहले पोस्टर का अनावरण किया गया जिसमें 8 नवंबर 2019 की नई रिलीज की तारीख भी दी गई थी 3 सितंबर को एक दूसरे पोस्टर का अनावरण किया गया जिसमें दिखाया गया कि फिल्म की रिलीज की तारीख 8 नवंबर तक बढ़ गई थी वहीं 10 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा की कि फिल्म की नई रिलीज की तारीख पंद्रह नवम्बर दो को है वहीं फिल्म बाला को और बाला के रिलीज के लिए समायोजित करने के लिए रिलीज की तारीख को एक सप्ताह आगे बढ़ाने जाने के बाद फिल्म को 15 नवंबर 2019 को फिर से रिलीज किया गया था फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी वहीं बॉलीवुड हंगामा ने इसे पांच में से साढ़े तीन की रेटिंग दी और लिखा सिद्धार्थ मल्होत्रा तारा सुतारिया स्टारर एक सच्ची नीला मसाला एंटरटेनर है जो अपने लक्ष्य दर्शकों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और वहीं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पांच में से साढ़े एक सितारों का मूल्यांकन किया और कहा मर एक उचित बॉलीवुड मसाला एंटरने और एंटरटेनर से कई से और कई सेट्स कम है जो इसके लिए सभी सामग्री होने के बावजूद इसकी आकांक्षा रखता है कमजोर और क्लेच और क्लेच प्लॉट लाइन के साथ साथ भारी भरकम संवाद जो प्रभावित होने चाहिए थे लेकिन अंत में खोल गए और वही और लेकिन अंत में खोखले लग गए थे समस्या का ही ये एक हिस्सा था द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को पाँच में से साढ़े दो सितारे दिए और समीक्षा की कि मर्जावा एक भावनात्मक एक्शन रोला कोष्टा के लिए सभी बॉक्सों की जांच करने का प्रयास करता है लेकिन इसका दिनांकित निष्पादन काफी मार नहीं डालता है वहीं मुंबई मिरर ने फिल्म को में से दो सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख और तारा सितारिया स्टारर एक थकाऊ घड़ी है वही स्क्रीन और वही, वही फिल्म के लिए स्क्रीन इन के फिल्म को में से दो सितारे दिए और लिखा कि उन्नीस के दशक का बॉलीवुड फ्लैश जिसमें ऐसे पात्र है जो है। वहीं का आपने ओपनिंग डे का डोमेस्टिक कलेक्शन के हिसाब से इसके पहले साढ़े सात करोड़ का कलेक्शन किया तीसरे दिन फिल्म ने साढ़े दस करोड़ का कलेक्शन किया था जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन ट्वेंटी फोर करोड़ हो गया था वहीं छब्बीस और वही 6 और वहीं सोलह दिसंबर दो हजार उन्नीस तक फिल्म ने फिफ्टी 6 और भारत में 56 करोड़ और विदेशों में 8 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का दुनिया भर में 65 करोड़ का शुद्ध सकल संग्रह बन गया था फिल्म के लिए कई सारी आलोचना भी की गई थी यहाँ तक कि फिल्म में अभिनय करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा सर और तारा सितारिया मैम की प्रशंसा हुई फिल्म का ये संगीत तनिष्क बागची पायल देव योयो यो हनी सिंह आदित्य देव और संजय चौधरी द्वारा रचित है जिसके बोल कुमार तनिष्क बागची कुणाल वर्मा मनोज मुंतशिर ए एम तुराज रश्मि विराग प्रसून जोशी ने लिखा है योयो यो हनी सिंह डोपलियो और मुज्जा और वही मुतबाद अजीज नाजा है वहीं दूसरा गीत एक तो कम जिंदगानी फिल्म और फिल्म जानबाज के गीत प्यार दो प्यार लो का रीमेक है अनिस बाज में के थैंक यू के बाद गाने का दूसरा रीमेक है जहां इसे प्रतिम और वहीं जहां इसमें प्रीतम में और प्रीतम ने संगीतबद्ध भी किया था वहीं चौथा गीत हैया हो दयावान के एक गीत चाहे मेरी जान ले फिल्म के दो गाने जिन्हें अंतिम कट से हटा दिया गया था उन्हें बाद में एकल के रूप में रिलीज किया गया था क्योंकि वो फिल्म की कहानी के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाते और वो नुसरत भरूचा अभिनेत गीत पीयू दत्ता के साथ और जो दो वही जो दो दिसंबर दो को रिलीज किया गया था और गीत मस्कअली टू को 2009 की रिलीज दिल्ली सिक्स के गीत मसकली का एक पुनर्निर्मित संस्करण है और 8 अप्रैल 2020 को रिलीज किया गया था वहीं मूल रूप से पाकिस्तानी कवाल नसरत फतेह अली खान द्वारा गाया गया एक पाकिस्तानी गीत सोना पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम द्वारा फिल्मों के के लिए कवर किया गया था फरवरी 2019 में ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सभी पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था वहीं इसलिए ट्रैक को अंतिम समय में भारतीय गायक जुबी नोटियाल द्वारा गाय एक संस्करण से बदला और वहीं बदल दिया गया था हालांकि ये गाना पाकिस्तानी कवाली का, का कवर बन रहा था जून 2020 में टी सीरीज ने youtube पर आतिफ असलम द्वारा गाया गया प्रारंभिक कवर जारी किया हालांकि से दूरदराज भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी महाराष्ट्र और वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेतृत्व में एक धमकी भरे अभियान के बाद इसे हटाने और माफी जारी करने के लिए फिर से मजबूर किया गया था फिल्म के गाने को यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन मिला वहीं फिल्म के बारे में इसके कुछ दस इंटरेस्टिंग बात के बारे में अगर हम आपको बताएं तो मरजावा हिंदी लैंग्वेज में बनी एक रोमांटिक एक्शन मसाला फिल्म थी जो 15 नवंबर 2019 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में और इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख तारा सुतारिया और रकुलप्रीत सिंह जैसे कई बड़े एक्ट्रेस नज़र आए थे इनके अलावा नूरा फतेही और नुसरत भरू चा भी अलग-अलग आइटम्स और आइटम सॉन्ग में कैमियो करती नजर आई थी इस फिल्म की स्टोरी और डायरेक्शन का ना और काम मिलाप मिलन जावेरी ने किया था वहीं बात देखि मरजावा के अलावा मिलाप मिलन जावेरी ने रितेश देशमुख के साथ जाने कहां से आई है तुषार कपूर और वीरदास के साथ और वहीं वीरदास के साथ मस्त और मस्ती जादे और जान अब्राहम के साथ सत्यमेव जयते जैसे फिल्में भी बनाई है इनकी आने वाली फिल्मों में सत्यमेव जयते तो शामिल है जो अगले मई और जो अगले बारह मई 2021 के ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी इसके अलावा मरजावा फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो इस फिल्म को भूषण कुमार और निखिल आडवाणी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है वहीं इस फिल्म का म्यूजिक तनिष्क बागची, जी मिड ब्रोज पायल देव और यो यो हनी सिंह ने मिलकर कंपोज किया था फिल्म में आठ गाने थे और सभी गाने उस साल काफी पसंद किए गए थे खासकर जब भी नोटियाल का गाना तुम ही आना उस साल सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था बाद में इस फिल्म के कई गाने पुराने गानों से दोबारा रिक्रिएट किए गए थे और इनमें एक गाना एक तो कम जिंदगानी अनिल कपूर की फिल्म जानबाज के गाने प्यार दो प्यार लो से रिमिक्स किया गया था बाद दे और वही फिल्म के लिए ओरिजिनल गाने को अक्षय कुमार को मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्म थैंक यू में म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने भी इस्तेमाल किया था मरजावा फिल्म एक दूसरा गाना है हैया हो विनोद खन्ना की फिल्म दयावान के गाने चाहे मेरी जान तू ले ले से दोबारा रिक्रिएट किया गया था इसके अलावा और इसके अलावा तीसरा गाना किन्ना सोना पाकिस्तानी सूफी सिंगर नुसरत फतेह अली खान की ओरिजिनल कवाली किन्ना सोना तेनु से इस और वही इंस्पायर था जिसे पाकिस्तान के ही सिंगर आतिफ असलम ने गाया था वहीं लेकिन पाकिस्तानी कलाकारों के इंडिया में बैन होने की वजह से इन गाने का काफ़ी विरोध किया गया था जिसकी वजह से ये गाना दोबारा जुबिन नोटियाल से रिकॉर्ड करवाया गया और इनके अलावा फिल्म के लिए रिकॉर्ड किए गए दो गाने फिल्म में ही नहीं रखे गए थे और इनमें हनी संग और हनी सिंह का गाना पी और पी डेट के और वहीं और मशक्कली टू फिल्म की रिलीज़ के काफ़ी दिनों बाद रिलीज़ किए गए थे सक अली टू पॉइंट साल दो हजार नौ में रिलीज हुई फिल्म दिल्ली सिक्स के गाने मसकअली से दोबारा रिक्रिएट किया गया था जो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया पर भी इसे कई दिनों तक ट्रोल किया गया था मरजावा फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा रघु रितेश देशमुख विष्णु शेट्टी और तारा सुतारिया जोया के किरदार में नजर आई है रघुआनाथ है और जिसे बचपन से विष्णु के फादर अन्ना ने पाला है जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है अन्ना हमेशा से ही रघु को अपने बेटे से ज्यादा चाहता है इसी वजह से विष्णु रघु से नफरत करता है इसी बीच रघु की की लाइफ में जोया की एंट्री होती है दोनों काफी खुश होते हैं लेकिन विष्णु उसकी खुशियाँ छीनना चाहता है और तभी ऐसी और ऐसी बनाता है कि रघु जोया को खुद गोली मार देता है इसके बाद रघु जेल चला जाता है जेल से वापसी और वहीं वापस आने के बाद वो कैसे रघु से बदला लेता है और वहीं ये और वहीं यही फिल्म और फिल्म में दिखाया गया है फिल्म में कई ज़... और कई जगह हमें दमदार डायलॉग देखने को मिलता है साथ ही कई और कई जगह और कई जगह सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक्शन सीक्वेंस भी कमाल करते हैं 31 अक्टूबर 2018 में सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक पोस्टर रिलीज किया गया था जिस जिसमें उन्होंने बताया था कि और बताया था कि ये फिल्म 2 अक्टूबर 2019 में रिलीज की जाएगी और वहीं रिलीज होने और वहीं लेकिन इस दिन ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ़ की फिल्म वो रिलीज होनी थी और इस वजह से मेकर्स ने मर की रिलीज डेट आगे बढ़ाकर 8 नवंबर कर दी थी वहीं लेकिन इस दिन आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला की रिलीज होने वाली थी इसके बाद मेकर्स ने फाइनलिंग इस फिल्म को 15 नवंबर को रिलीज किया इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से ज़्यादातर नेगेटिव रिव्यू मिले थे वहीं इतना ही नहीं आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला मरजावा से ठीक एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी और बाला अगले दो हफ्तों तक भी सिनेमाघरों में टिकी नहीं रही थी इसी वजह से इसका सीधा असर मर की कमाई पर देख ने को मिला था वहीं हालांकि ऑडियंस ने इस फिल्म के लिए काफ़ी प्यार दिखाया इसलिए ये फिल्म अपना बजट निकालने में कामयाब रही फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े इस प्रकार हमें दिखाई जाती है कि फिल्म का बजट अड़चालीस करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छी कमाई भी की और फिल्म के लिए इसने 48 करोड़ की कमाई कर ली थी जो सिर्फ इंडिया की कमाई थी अगर हम पूरे और अगर हम पूरे दूसरे देशों की बात करें तो फिल्म ने 66 करोड़ की कमाई तो ऐसे ही कर ली थी हालांकि इस फिल्म से ऑडियंस को काफ़ी उम्मीदें थी लेकिन काफ़ी लोगों की उम्मीदों पर यह फ़िल्म खरी और खरी नहीं उतर पाई और बॉक्स ऑफिस पर अब वो एवरेज साबित हुई थी वहीं मरजावा के अलावा साल दो में और साल दो में कई बड़े फिल्में रिलीज हुई थी उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। इस साल सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में पहले नंबर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की, की सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत और पांचवें नंबर पर अक्षय कुमार और दिलजीत दोसांझ की फिल्म गुड न्यूज थी वहीं फिल्म के एक सीन में और सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा कुछ गुंडों से लड़ते हैं और इस दिन में उसके और वहीं उनके शोल्डर और पीर पर और पीठ पर आग लग जाती है इस सीन को शूट करने से पहले टीम ने बॉडी डबल का इस्तेमाल करने की प्लानिंग की हुई थी लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा को जब पता चला तो उन्होंने बॉडी डबल के लिए मना कर दिया और ये सिन खुद कम और वहीं ये सीन खुद कंप्लीट की वहीं हालांकि इस दौरान उन्हें थोड़ी चोट जरूर आई थी और इस बारे में फिल्म के डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेरी भी सिद्धार्थ की कई इंटरव्यू में तारीफ कर चुके हैं वहीं फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख और रितेश देशमुख इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए थे बाद में इससे पहले इन दोनों को साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म एक विलन में एक साथ देखा गया था यह फिल्म ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर रही थी इतना ही नहीं मर में जब सिद्धार्थ के सामने रितेश देशमुख की एंट्री दिखाई जाती है तो वो फिल्म एक विलन का ही सुपरहिट गाना गलियाँ गुनगुनाते हुए नजर आते हैं फिल्म में रितेश देशमुख पहली बार एक बौने के किरदार में नजर थे। वहीं रितेश और ये भी बताया था कि फिल्म में उनके बोने किरदार के अलावा कई जगह शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और रेड चिलीज बी ने काफी मदद की थी क्योंकि मरजावा से पहले शाहरुख खान अपने फिल्म जीरो में ठीक ऐसा और ठीक ऐसा ही किरदार निभा चुके हैं जिसमें उन्हीं की कंपनी ने काम किया था वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट रही इसके बाद इन्हें कई में और कई फिल्मों में देख, देखा जा चुका है इन और वहीं अब फिल्म के लिए इनमें हंसी तो फंसी ब्रदर्स कपूर एंड सन्स जैसी कई फिल्में शामिल है मरजावा की रिलीज से काफ़ी टाइम पहले सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपनी फिल्म में नाइन्टी हीरो का रोल प्ले करना चाहते थे सिद्धार्थ को ये मौका फिल्म में और में मिला। इस फिल्म में 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 और मिला इस फिल्मावाइंटी की तरह बदले की स्टोरी दमदार डायलॉग और काफी सारे गाने भी रखे गए थे वहीं मरजावा फिल्म के लिए इससे कई सारे एक्शन दृश्यों को भी दिखाया गया था और फिल्म के लिए इसके सभी आभूषणों को देखा गया था फिल्म के लिए ड्रेसिंग सेंस को भी लाया गया था वहीं फिल्म के लिए अन्य कलाकारों में शादरन ढावा रवि किशन और अनंत जोग थे फिल्म के लिए सिनेमाटोग्राफी कर रहे थे निगम बोमजान और इसके एडिटर थे माहिर जावेरी वहीं फिल्म को म्यूजिक दिया था तनेश के बागची मेद ब्रोस ने फिल्म को टी सीरीज और एम एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया वहीं फिल्म को पेन मरूधर सिने एंटरटेनमेंट और, और इरोस इंटरनेशनल के बैनर तले वितरित किया गया था फिल्म का कर 40 करोड़ के बजट पर बनाया गया और इसने पूरे दुनिया में 66 करोड़ की कुल कमाई कर ली थी फिल्म के कई सारे गानों को दर्शकों ने पसंद किया साथ ही साथ अभियानों को एक साथ दिखाया गया जो कि फिल्म के लिए प्रस्तुति कर रहे और फिल्म के लिए इनके खुद के इस प्रदर्शन को आलोचकों के साथ साथ कई सारे अन्य दर्शकों के साथ पसंद किया गया था वहीं फिल्म के लिए इसके सिप्नोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो फिल्म की कहानी रघु से शुरू होती है रघु स्थानीय ठग नारायण अन्ना का वफादार गुंडा है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित करता है रघु पर अन्ना की निर्भरता अन्ना के बेटे विष्णु के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठती है जिसका परि और जिसका परिसर केवल उसके छोटे कद से अधिक है क्योंकि वो केवल तीन फीट लंबा है वहीं जब रघु जोया के प्यार में पड़ जाता है जो एक को संगीत की ओर झुकाव रखने वाली कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को संगीत सिखाती है विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडों को बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के अवसर पर कूद पड़ता है वहीं विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गाय टोड़े का अपहरण कर लिया होता है और एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह के लिए चुना था जोया ये देखती है और भाग जाती है वहीं लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति उसके उपस्थिति को देख सकता था वहीं विष्णु अन्ना को बताता है कि गाय तोड़े की हत्या का एक चश्मदीद गवाह था और वह गवाह जोया है इसलिए अन्ना रघु को जोया को मारने का आदेश देता है और ये नहीं जानते हुए कि रघु से प्यार करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रघु जोया को ढूंढ और वही ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की कोशिश करता है लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का आदेश देता है ऐना रघु को कहती है कि और वही ऐना रघु को कहता है और कहती है कि अगर वो केवल जोया को मारेगा तो वो और बच्चे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वो गाय टोड़े की हत्या की चश्मदीद गवाह है जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि कि वो और उसके बच्चे सुरक्षित रहे जोया रघु को बंदूक देती है अपना अंगूठा उसके ऊपर रखती है ट्रिगर खींचती है और उसकी बाहों में मर जाती है पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक रघु को गिरफ्तार किया जेल में रघु और वहीं दिल टूटा हुआ पाता है बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में और दफनाने में मदद करते हैं वहीं विष्णु जेल में र, और जेल में रघु को मारने की कोशिश करता है ये जानकर कि क्या वो रिहा हो जाएगा वो बदला लेगा हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की पिटाई करता है तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के पैर को पर हमला करता है और काट देता है क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी वहीं जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को जा और रघु को आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में मदद करता है रघु की रिहाई पर उसे मारने की योजना बना रहा होता है हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु पहले जैसा नहीं है और ऐना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन रघु की मौत हो गई विष्णु रघु को उसके पुराने

चीज़ चीज़ के साथ शामिल हो जाते हैं अब बात करें फिल्म के कास्टिंग के बारे में तो फिल्म में रितेश देशमुख सर ने विष्णु शेट्टी केदार को निभाया सिद्धार्थ मल्होत्रा सर ने रघुवेंद्र उल्फ रघुनाथ की भूमिका निभाई तारा सुतारिया ने अहमद की भूमिका निभाई रघुल प्रीत सिंह ने आरजू हुसैन की भूमिका निभाई वही नाथ सर ने नारायण शेट्टी के केदार को उल्फ नारायण अन्ना की भूमिका निभाई वही अन्य सहायक कलाकारों में शाद रंधावार आज के हमारे इस वीडियो वीडियो में हम जानेंगे फिल्म के हिंदी रिलीज डेट के बारे में और इस फिल्म की पोस्टर कब रिलीज की गई थी ये भी हम आपको बताने वाले हैं हाल ही में आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनसुनी बातें बताने वाले हैं जिससे मजावा मूवी के बारे में अभी अभी निकाली गई है जी हाँ दोस्तों हम फिल्म के बारे में कुछ दस ऐसे इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स आपको बताने जा रहे हैं जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम मरजावा मूवी के बारे में इसके बजट के बारे में भी खुलासा करेंगे साथ ही साथ फिल्म ने अब तक दुनिया भर में कितने की कमाई की है और ये आगे चलकर कितने की कमाई कर सकती है ये सभी बातें आज के हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगर हम कभी भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा और आप सभी में से किस किस को सिद्धार्थ मल्होत्रा सर द्वारा अभिनित फिल्म पसंद आती है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मरजावा जो कि 2019 की हिंदी भाषा में बनाई गई खुद की एक रोमांस एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें मिलाप मिलन जावेरी द्वारा लिखित और निर्देशित कई सारे बोल है और एम एंटरटेनमेंट टी सीरीज द्वारा निर्मित किया गया है मर सितारों में सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख और तारा सुतारिया मैम के साथ साथ रकुलप्रीत सिंह मैम भी फिल्म में मुख्य भूमिका में है इसे सह निर्माता भूषण कुमार ने मला और मशाला और प्रेम कहानी के रूप में वर्णित किया है फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर बेवर और वही बॉक्स ऑफिस पर व्यवसायिक रूप से औसत से नीचे थी मरजवा का संगीत एल्बम टी सीरीज के तहत जारी किया गया था और इसके गाने तुम ही आना थोड़ी जगह और के साथ सबसे बड़े चार्टबस्टर बस्टर में से एक बन गए वहीं इस फिल्म के गाने तुम्हें थोड़ी जगह यूट्यूब पर भी बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल होने लगे पीयू दत्त के और आइटम नंबर एक तो कम जिंदगानी ने चार्ट बटोर रहे थे वहीं एक तो कम जिंदगानी में नोरा फतेही के डांस को लेकर दर्शकों ने खूब इंजॉय किया इसे भारत में पेन एंटरटेनमेंट और विदेशों में रोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित किया गया था वहीं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 7 दिसंबर 2018 को शुरू हुई जब मल्होत्रा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीर साझा की थी दूसरा शेड्यूल जनवरी के माध्यम से शुरू होने वाला है और मार्च 2019 तक समाप्त हो जाएगा वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा एक दर्जन गुंडों के साथ शूटिंग कर रहे हैं और एक्शन मोड में आ गए थे स्टन टीम एक बॉडी डबल के साथ शूट करना चाहती थी क्योंकि सिद्धार्थ की पीठ और कंधे में आग लग गई थी लेकिन वो इसे प्रामाणिकता दिखाने और अपने चरित्र के प्रति सच्चे रहने के लिए खुद सीन करने पर अड़े रहे थे और आखिरकार वो सिंह सिद्धार्थ मल्होत्रा सर ने खुद की थी और उस सीन के लिए कोई भी डबल बॉडी नहीं रखा गया था वहीं नवंबर 2019 और 19 में देशमुख ने खुलासा किया कि शाहरुख खान ने बोने के रूप में पूर्व की भूमिका के लिए कुछ बी एफ के साथ प्रोडक्शन टीम की मदद की थी सिद्धार्थ ने 15 मार्च 2019 को गानों को छोड़कर अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की थी उन्होंने एक हार्दिक संदेश के साथ क्रियो के साथ एक तस्वीर पोस्ट करके इस खबर की घोषणा भी की थी फिल्म का आधिकारिक पोस्टर 30 अक्टूबर 2018 को सिद्धार्थ मल्होत्रा द्वारा साझा किया गया था जिसमें 8 नवंबर 2019 को रिलीज की तारीख की घोषणा भी की गई थी और वहीं 5 अगस्त 2019 को यह बताया गया कि मल्होत्रा ने घोषणा की और घोषणा की कि टाइगर अभिनेत्र सिद्धार्थ आनंद की बड़े बजट की फिल्म वॉर के साथ टकरा और वही टकराव से बचने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और साथ ही साथ फिल्म में देरी हो रही थी श्रॉफर ऋतिक रोशन लेकिन रिलीज की तारीख की पुष्टि नहीं हुई थी श्रॉफ सर और ऋतिक रोशन सर द्वारा अभिनेत इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा एक्शन प्रभाव दृश्य भी शामिल थे वहीं इस फिल्म को वॉर फिल्म के बाद रिलीज करने की पुष्टि भी की गई थी जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा सर ने खुद की थी और वहीं 23 अगस्त 2019 को मल्होत्रा द्वारा पहले पोस्टर का अनावरण किया गया जिसमें 8 नवंबर 2019 की नई रिलीज की तारीख भी दी गई थी 3 सितंबर को एक दूसरे पोस्टर का अनावरण किया गया जिसमें दिखाया गया कि फिल्म की रिलीज की तारीख 8 नवंबर तक बढ़ गई थी वहीं 10 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा की कि फिल्म की, की नई रिलीज की तारीख पंद्रह नवम्बर दो को है वही फिल्म बाला को और बाला के रिलीज के लिए समायोजित करने के लिए रिलीज की तारीख को एक सप्ताह आगे बढ़ाने जाने के बाद फिल्म को 15 नवंबर 2019 को फिर से रिलीज किया गया था फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी वहीं बॉलीवुड हंगामा ने इसे पाँच में से साढ़े तीन की रेटिंग दी और लिखा सिद्धार्थ मल्होत्रा तारा सुतारिया स्टारर एक सच्ची नीला मसाला एंटरटेनर है जो अपने लक्ष्य दर्शकों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और वहीं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पाँच में से साढ़े एक सितारों का मूल्यांकन किया और कहा मर एक उचित बॉलीवुड मसाला एंटरने और एंटरटेनर से कई से और कई सेट्स कम है जो इसके लिए सभी सामग्री होने के बावजूद इसकी आकांक्षा रखता है कमजोर और क्लेच और क्लेच प्लॉट लाइन के साथ साथ भारी भरकम संवाद जो प्रभावित होने चाहिए थे लेकिन अंत में खोल गए और वहीं और लेकिन अंत में खोखले लग गए थे समस्या का ही ये एक हिस्सा था द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को पाँच में से साढ़े दो सितारे दिए और समीक्षा की कि मर्जावा एक भावनात्मक एक्शन रोला कोष्टा के लिए सभी की जांच करने का प्रयास करता है लेकिन इसका दिनांकित निष्पादन काफी मार नहीं डालता है वहीं मुंबई मिरर ने फिल्म को पाँच में से दो सितारे रेटिंग दी और कहा सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख और तारा सितारिया स्टारर एक थकाऊ घड़ी है वहीं वही स्क्रीन इन और वहीं फिल्म के लिए स्क्रीन इन के फिल्म को पाँच में से दो सितारे दिए और लिखा कि उन्नीस के दशक का बॉलीवुड फ्लैश जिसमें ऐसे पात्र है जो कार्डबोर्ड कटआउट है वहीं मरजावा का अपने ओपनिंग डे और डोमेस्टिक कलेक्शन के हिसाब से इसके पहले दिन सात करोड़ था दूसरे दिन फिल्म ने साढ़े सात करोड़ का कलेक्शन किया तीसरे दिन फिल्म ने साढ़े दस करोड़ का कलेक्शन किया था जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ हो गया था वहीं छब्बीस और वहीं और वहीं सोलह दिसंबर दो तक फिल्म ने फिफ्टी सिक्स और भारत में फिफ्टी सिक्स करोड़ और विदेशों में एट करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का दुनिया भर में सिक्सटी फाइव करोड़ का शुद्ध सकल संग्रह बन गया था फिल्म के लिए कई सारी आलोचना भी की गई थी यहाँ तक कि फिल्म में अभिनय करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा सर और तारा सितारिया मैम की प्रशंसा हुई फिल्म का ये संगीत तनिष्क बागची मीत ब्रदर्स पायल देव योयो यो हनी सिंह आदित्य देव और संजय चौधरी द्वारा रचित है जिसके बोल कुमार तनिष्क बागची कुणाल वर्मा मनोज मुंतशिर ए एम तुराज रश्मि विराग प्रसून जोशी ने लिखा है योयो यो हनी सिंह डोपलियो और मुज्जा और वही मुतबाद अजीज नाजा है वहीं दूसरा गीत एक तो कम जिंदगानी फिल्म और फिल्म जानबाज के गीत प्यार दो प्यार लो का रीमेक है अनीस बाज में के थैंक यू के बाद गाने का दूसरा रीमेक है जहां इसे प्रतिम और वहीं जहां इसमें प्रीतम में और प्रीतम ने संगीतबद्ध भी किया था वहीं चौथा गीत हैया हो दयावान के एक गीत चाहे मेरी जान तू ले ले तुले है फिल्म के दो गाने जिन्हें अंतिम कट से हटा दिया गया था उन्हें बाद में एकल के रूप में रिलीज किया गया था क्योंकि वो फिल्म की कहानी के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाते और वो नुसरत भरूचा अभिनेत गीत पी दत्ता के साथ और जो दो वही जो दो दिसंबर दो को रिलीज किया गया था और गीत मस्कअली टू को दो हजार की रिलीज दिल्ली सिक्स के गीत मस्कली का एक पुनर्निर्मित संस्करण है और 8 अप्रैल 2020 को रिलीज किया गया था वहीं मूल रूप से पाकिस्तानी कवाल नुसरत फतेह अली खान द्वारा एक पाकिस्तानी गीत सोना। पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम द्वारा फिल्मों के के लिए कवर किया गया था फरवरी 2019 में ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सभी पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था वहीं इसलिए ट्रैक को अंतिम समय में भारतीय गायक जुबी नोटियाल द्वारा गायक गए एक संस्करण से बदला और वहीं बदल दिया गया था हालांकि ये गाना पाकिस्तानी कवाली का, का कवर बन रहा था जून 2020 में टी सीरीज ने यूट्यूब पर आतिफ असलम द्वारा गाया गया प्रारंभिक कवर जारी किया हालांकि इसे दूर दराज भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी महाराष्ट्र और वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेतृत्व में एक धमकी भरे अभियान के बाद इसे हटाने और माफी जारी करने के लिए फिर से मजबूत किया गया था फिल्म के गाने को यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन मिला वहीं फिल्म के बारे में इसके कुछ दस इंटरेस्टिंग बात के बारे में अगर हम आपको बताएं तो मरजावा हिंदी लैंग्वेज में बनी एक रोमांटिक एक्शन मसाला फिल्म थी जो 15 नवंबर 2019 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में और इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख तारा सुतारिया और रकुलप्रीत सिंह जैसे कई बड़े एक्ट्रेस नज़र आए थे इनके अलावा नूरा फतेही और नुसरत भरू चा भी अलग अलग आइटम्स और आइटम सॉन्ग में कैमियो करती नजर आई थी इस फिल्म की स्टोरी और डायरेक्शन का न और काम मिलाप मिलन जावेरी ने किया था वहीं बात देखी मरजावा के अलावा मिलाप मिलन जावेरी ने रितेश देशमुख के साथ जाने कहां से आई है तुषार तो कपूर और वीरदास के साथ और वहीं वीरदास के साथ मस्त और मस्ती जादे और जान अब्राहम के साथ सत्यमेव जयते जैसे फिल्में भी बनाई है इनकी आने वाली फिल्मों में सत्यमेव जयते तो शामिल है जो अगले मई और जो अगले बारह मई 2021 के ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी इसके अलावा अमर फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो इस फिल्म को भूषण कुमार और निखिल आडवाणी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है वहीं इस फिल्म का म्यूजिक तनिष्क बागची मिड ब्रोज पायल देव और यो यो हनी सिंह ने मिलकर कंपोज किया था फिल्म में आठ गाने थे और सभी गाने उस साल काफी पसंद किए गए थे खासकर जो भी नोटयाल का गाना तुम ही आना उस साल सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था बाद में इस फिल्म के कई गाने पुराने गानों से दोबारा रिक्रिएट किए गए थे और इनमें एक गाना एक तो कम जिंद अनिल कपूर की फिल्म जानबाज के गाने प्यार दो प्यार लो से रिमिक्स किया गया था बाद दे और वही फिल्म के लिए ओरिजिनल गाने को अक्षय कुमार को मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्म थैंक यू में म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने भी इस्तेमाल किया था मरजावा फिल्म एक दूसरा गाना है हैया हो विनोद खन्ना की फिल्म दयावान के गाने चाहे मेरी जान तू ले ले से दोबारा रिक्रिएट किया गया था इसके अलावा और इसके अलावा तीसरा गाना किन्ना सोना पाकिस्तान सूफी सिंगर नसरत फतेह अली खान की ओरिजिनल कवाली किन्ना सोना तेनू से इस और वही इंस्पायर था जिसे पाकिस्तान के ही सिंगर आतिफ असलम ने गाया था वहीं लेकिन पाकिस्तानी कलाकारों के इंडिया में बैन होने की वजह से इन गाने का काफ़ी विरोध किया गया था जिसकी वजह से ये गाना दोबारा जुबीन नोटियाल से रिकॉर्ड करवाया गया और इनके अलावा फिल्म के लिए रिकॉर्ड किए गए दो गाने फिल्म में ही नहीं रखे गए थे और इन में हनी सिंह और हनी सिंह का गाना पी और पी डेट के और वहीं और मशक्ली टू फिल्म की रिलीज़ के काफ़ी दिनों बाद रिलीज़ किए गए थे मसक अली टू पॉइंट साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म दिल्ली सिक्स के गाने मसक अली से दोबारा रिक्रिएट किया गया था जो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया पर भी इसे कई दिनों तक ट्रोल किया गया था मरजावा फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा रघु रितेश देशमुख विष्णु शेट्टी और तारा सुतारिया जोया के किरदार में नजर आई है रघु है और जिसे बचपन से ही विष्णु के फादर अन्ना ने पाला है जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है अन्ना हमेशा से ही रघु को अपने बेटे से ज्यादा चाहता है इसी वजह से विष्णु रघु से नफरत करता है इसी बीच रघु की की लाइफ में जोया की एंट्री होती है दोनों काफी खुश होते हैं लेकिन विष्णु उसकी खुशियाँ छीनना चाहता है और तभी ऐसी और ऐसी बनाता है कि रघु जोया को खुद गोली मार देता है इसके बाद रघु जेल चला जाता है जेल से वापस और वहीं वापस आने के बाद वो कैसे रघु से बदला लेता है और वहीं ये और वहीं यही फिल्म और फिल्म में दिखाया गया है फिल्म में कई और कई जगह हमें दमदार डायलॉग देखने को मिलता है साथ ही कई और कई जगह और कई जगह सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक्शन सीक्वेंस भी कमाल करते हैं तीस अक्टूबर दो में सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि और बताया था कि यह फिल्म 2 अक्टूबर 2019 में रिलीज की जाएगी और वहीं रिलीज होने और वहीं लेकिन इस दिन ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वो रिलीज होनी थी और इस वजह से मेकर्स ने मरजावा की रिलीज डेट आगे बढ़ाकर 8 नवंबर कर दी थी वहीं लेकिन इस दिन आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला की रिलीज होने वाली थी इसके बाद मेकर्स ने फाइनलिंग इस फिल्म को 15 नवंबर को रिलीज किया इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादातर नेगेटिव रिव्यू मिले थे वहीं इतना ही नहीं आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला मरजावा से ठीक एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी और बाला अगले दो हफ्तों तक भी सिनेमाघरों में टिकी नहीं रही थी इसी वजह से इसका सीधा असर मरजावा की कमाई पर देख ने को मिला था वहीं हालांकि ऑडियंस ने इस फिल्म के लिए काफ़ी प्यार दिखाया इसलिए ये फिल्म अपना बजट निकालने में कामयाब रही फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े इस प्रकार हमें दिखाई जाती है कि फिल्म का बजट अड़चालीस करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छी कमाई भी की और फिल्म के लिए इसने 48 करोड़ की कमाई कर ली थी जो सिर्फ इंडिया की कमाई थी अगर हम पूरे और अगर हम पूरे दूसरे देशों की बात करें तो फिल्म ने 66 करोड़ की कमाई तो ऐसे ही कर ली थी हालांकि इस फिल्म से ऑडियंस को काफ़ी उम्मीदें थी लेकिन काफ़ी लोगों की उम्मीदों पर यह फिल्म खरी और खरी नहीं उतर पाई और बॉक्स ऑफिस पर अब वो एवरेज साबित हुई थी वहीं मरजावा के अलावा साल दो में और साल दो में कई बड़े फिल्में रिलीज़ हुई थी उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जमकर की इस साल सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में पहले नंबर आरोप कौशल चौथे नंबर पर, पर, पर सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत और पांचवें नंबर पर अक्षय कुमार और दिलजीत की फिल्म गुड न्यूज थी वहीं फिल्म के एक सीन में और सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा कुछ गुंडों से लड़ते हैं और इस दिन में उसके और वहीं उनके शोल्डर और पीर पर और पीठ पर आग लग जाती है इस सीन को शूट करने से पहले टीम ने बॉडी डबल का इस्तेमाल करने की प्लानिंग की हुई थी लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा को जब पता चला तो उन्होंने बॉडी डबल के लिए मना कर दिया और ये सीन खुद कम और वहीं ये सीन खुद कंप्लीट की वहीं हालांकि इस दौरान उन्हें थोड़ी चोट जरूर आई थी और इस बारे में फिल्म के डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेरी भी सिद्धार्थ की कई इंटरव्यू में तारीफ कर चुके हैं वहीं फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख और रितेश देशमुख इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए थे बाद में इससे पहले इन दोनों को साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म एक विलन में एक साथ देखा गया था यह फिल्म ऑडियंस को काफी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर रही थी इतना ही नहीं मजावा में जब सिद्धार्थ के सामने रितेश देशमुख की एंट्री दिखाई जाती है तो वो फिल्म एक विलन का ही सुपरहिट गाना तेरी गलिया गुनगुनाते हुए नजर आते हैं फिल्म में रितेश देशमुख पहली बार एक बौने के किरदार में नजर आए थे। वहीं रितेश फिल्म में उनके बोने किरदार के अलावा कई जगह शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और रेड चिलीस बी ने काफी मदद की थी क्योंकि मर से पहले शाहरुख खान फिल्म जीरो में ठीक ऐसा और ठीक ऐसा ही किरदार निभा चुके हैं जिसमें उन्हीं की कंपनी ने काम किया था वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट रही इसके बाद इन्हें कई में और कई फिल्मों में देख, देखा जा चुका है इन और वहीं अब फिल्म के लिए इनमें हंसी तो फंसी ब्रदर्स कपूर एंड सन्स जैसी कई फिल्में शामिल है मरजावा की रिलीज से काफ़ी टाइम पहले सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपनी फिल्म में नाइन्टी स्टार भेरो का रोल प्ले करना चाहते थे सिद्धार्थ को ये मौका फिल्म मरजावा में और मरजावा में मिला इस फिल्म में नाइन्टीज़ की फिल्मों की तरह बदले की स्टोरी दमदार डायलॉग और काफ़ी सारे गाने भी रखे गए थे वहीं मरजावा फिल्म के लिए इससे कई सारे एक्शन दृश्यों को भी दिखाया गया था और फिल्म के लिए इसके सभी आभूषणों को देखा गया था फिल्म के लिए ड्रेसिंग सेंस को भी लाया गया था वहीं फिल्म के लिए अन्य कलाकारों में शादरन ढावा रवि किशन और अनंत जोग थे फिल्म के लिए सिनेमाटोग्राफी कर रहे थे निगम बोमजान और इसके एडिटर थे माहिर जावेरी वहीं फिल्म को म्यूजिक दिया था तनेश के बागची ब्रोस ने फिल्म को टी सीरीज और एम एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया वही फिल्म को पेन मरूधर सिने एंटरटेनमेंट तो और इनो, और इोस इंटरनेशनल के बैना तले वितरित किया गया था फिल्म का 40 करोड़ के बजट पर बनाया गया और इसने पूरे दुनिया में 66 करोड़ की कुल कमाई कर ली थी फिल्म के कई सारे गानों को दर्शकों ने पसंद किया साथ ही साथ आलोचकों ने फिल्म के लिए इसके कई सारे दर्शकों द्वारा प्रशंसित इसके कई सारे अभियानों को एक साथ दिखाया गया जो कि फिल्म के लिए प्रस्तुति कर रहे और फिल्म के लिए इनके खुद के इस प्रदर्शन को आलोचकों के साथ-साथ कई सारे अन्य दर्शकों के साथ पसंद किया गया था वहीं फिल्म के लिए इसके सिप्नोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो फिल्म की कहानी रघु से शुरू होती है रघु स्थानीय ठग नारायण अन्ना का वफादार गुंडा है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित करता है रघु पर अन्ना की निर्भरता अन्ना के बेटे विष्णु के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठती है जिसका परि और जिसका परिसर केवल उसके छोटे कद से अधिक है क्योंकि वो केवल तीन फीट लंबा है वहीं जब रघु जोया के प्यार में पड़ जाता है जो एक मोकु संगीत की ओर झुकाव रखने वाली कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को संगीत सिखाती है विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडों को बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के अवसर पर कूद पड़ता है वहीं विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गाय टोड़े का अपहरण कर लिया होता है और एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह के लिए चुना था जोया ये देखती है और भाग जाती है वहीं लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति उसके उपस्थिति को देख सकता था वहीं विष्णु अन्ना को बताता है कि गाय तोड़े की हत्या का एक चश्मदीद गवाह था और वह गवाह जोया है इसलिए अन्ना रघु को जोया को मारने का आदेश देता है और ये नहीं जानते हुए कि रघु से प्यार करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रघु जोया को ढूंढ और वहीं ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की कोशिश करता है लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का आदेश देता है ऐना रघु को कहती है कि और वहीं ऐना रघु को कहता है और कहती है कि अगर वो केवल जोया को मारेगा तो वो और बच्चे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वह गाय टोड़े की हत्या की चश्मदीद गवाह है जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वो और उसके बच्चे सुरक्षित रहे जोया रघु को बंदूक देती है अपना अंगूठा उसके ऊपर रखती है ट्रिगर खींचती है और उसके बाहों में मर जाती है पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक रघु को गिरफ्तार किया जेल में रघु दास और वहीं दिल टूटा हुआ पाता है बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में और दफनाने में मदद करते हैं वहीं विष्णु जेल में र, और जेल में रघु को मारने की कोशिश करता है ये जानकर कि क्या वो रिहा हो जाएगा वो बदला लेगा हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की पिटाई करता है तब विष्णु रघु के दोस्त मज़हर के पैर को पर हमला करता है और काट देता है क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी वहीं जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को जा और रघु को आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में मदद करता है रघु की रिहाई पर उसे मारने की योजना बना रहा होता है हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जया की मौत के बाद रघु पहले जैसा नहीं है और ऐना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जया को मारा उसी दिन रघु की मौत हो गई विष्णु रघु को उसके पुराने

के साथ शामिल हो जाते हैं अब बात करें फिल्म के कास्टिंग के बारे में तो फिल्म में रितेश देशमुख सर ने विष्णु शेट्टी केदार के को निभाया सिद्धार्थ मल्होत्रा सर ने रघुवेंद्र उल्फ रघुनाथ की भूमिका निभाई तारा सुतारिया ने अहमद की भूमिका निभाई रघुल प्रीत सिंह ने आरजू हुसैन की भूमिका निभाई वहीं नाथ सर ने नारायण शेट्टी के केदार को उल्फ नारायण अन्ना की भूमिका निभाई वहीं अन्य सहायक कलाकारों में शाद रंधावा के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म के हिंदी रिलीज डेट के बारे में और इस फिल्म की पोस्टर कब रिलीज की गई थी ये भी हम आपको बताने वाले हैं हाल ही में आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनसुनी बातें बताने वाले हैं जिसे मरजावा मूवी के बारे में अभी अभी निकाली गई है जी हाँ दोस्तों हम फिल्म के बारे में कुछ दस ऐसे इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स आपको बताने जा रहे हैं जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम मरजावा मूवी के बारे में इसके बजट के बारे में भी खुलासा करेंगे साथ ही साथ फिल्म ने अब तक दुनिया भर में कितने की कमाई की है और ये आगे चलकर कितने की कमाई कर सकती है ये सभी बातें आज के हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगर हम कभी भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा और आप सभी में से किस किस को सिद्धार्थ मल्होत्रा सर द्वारा अभिनीत फिल्म पसंद आती है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मरजावा जो कि 2019 की हिंदी भाषा में बनाई गई खुद की एक रोमांस एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें मिलाप मिलन जावेरी द्वारा लिखित और निर्देशित कई सारे बोल है और इनमें एंटरटेनमेंट टी सीरीज द्वारा निर्मित किया गया है मर सितारों में सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख और तारा सुतारिया मैम के साथ साथ रकुलप्रीत सिंह मैम भी फिल्म में मुख्य भूमिका में है इसे सह निर्माता भूषण कुमार ने मला और मशाला और प्रेम कहानी के रूप में वर्णित किया है फिल्म को समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर बेवर और वही बॉक्स ऑफिस पर व्यवसायिक रूप से औसत से नीचे थी मरजवा का संगीत एल्बम टी सीरीज के तहत जारी किया गया था और इसके गाने तुम ही आना थोड़ी जगह और के साथ सबसे बड़े चार्टबस्टर में से एक बन गए वहीं इस फिल्म के गाने तुम आना और थोड़ी जगह YouTube पर भी बहुत ही ज़्यादा तेजी से वायरल होने लगे पीओ दत्त के और आइटम नंबर एक तो कम जिंदगानी ने चार्ट बटोर रहे थे वहीं एक तो कम जिंदगानी में नोरा फतेही के डांस को लेकर दर्शकों ने खूब इंजॉय किया इसे भारत में पेन एंटरटेनमेंट और विदेशों में रोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित किया गया था वहीं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 7 दिसंबर 2018 को शुरू हुई जब मल्होत्रा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीर साझा की थी दूसरा शेड्यूल जनवरी के माध्यम से शुरू होने वाला है और मार्च 2019 तक समाप्त हो जाएगा वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा एक दर्जन गुंडों के साथ शूटिंग कर रहे हैं और एक्शन मोड में आ गए थे स्टन टीम एक बॉडी डबल के साथ शूट करना चाहती थी क्योंकि सिद्धार्थ की पीठ और कंधे में आग लग गई थी लेकिन वो इसे प्रामाणिकता दिखाने और अपने चरित्र के प्रति सच्चे रहने के लिए खुद सीन करने पर अड़े रहे थे और आखिरकार वो सिंह सिद्धार्थ मल्होत्रा सर ने खुद की थी और उस सीन के लिए कोई भी डबल बॉडी नहीं रखा गया था वही उन्नीस और उन्नीस में ने खुलासा किया कि शाहरुख खान ने बोने के रूप में पूर्व की भूमिका के के लिए कुछ के साथ प्रोडक्शन टीम की मदद की थी सिद्धार्थ ने 15 मार्च 2019 को गानों को छोड़कर अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की थी उन्होंने एक हार्दिक संदेश के साथ क्री के साथ एक तस्वीर पोस्ट करके इस खबर की घोषणा भी की थी फिल्म का आधिकारिक पोस्टर 30 अक्टूबर 2018 को सिद्धार्थ मल्होत्रा द्वारा साझा किया गया था जिसमें 8 नवंबर 2019 को रिलीज की तारीख की घोषणा भी की गई थी और वहीं 5 अगस्त 2019 को यह बताया गया कि मल्होत्रा ने घोषणा की और घोषणा की कि टाइगर अभिनेता सिद्धार्थ आनंद की बड़े बजट की फिल्म वॉर के साथ टकरा और वहीं टकराव से बचने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और साथ ही साथ फिल्म में देरी हो रही थी श्रॉफर ऋतिक रोशन लेकिन रिलीज की तारीख की पुष्टि नहीं हुई थी श्रॉफ सर और ऋतिक रोशन सर द्वारा अभिनेत इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा एक्शन प्रभाव दृश्य भी शामिल थे वहीं इस फिल्म को वॉर फिल्म के बाद रिलीज करने की पुष्टि भी की गई थी जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा सर ने खुद की थी और वहीं 23 अगस्त 2019 को मल्होत्रा द्वारा पहले पोस्टर का अनावरण किया गया जिसमें 8 नवंबर 2019 की नई रिलीज की तारीख भी दी गई थी 3 सितंबर को एक दूसरे पोस्टर का अनावरण किया गया जिसमें दिखाया गया कि फिल्म की रिलीज की तारीख 8 नवंबर तक बढ़ गई थी वहीं 10 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा की कि फिल्म की नई रिलीज की तारीख पंद्रह नवम्बर दो को है वहीं फिल्म बाला को और बाला के रिलीज के लिए समायोजित करने के लिए रिलीज की तारीख को एक सप्ताह आगे बढ़ाने जाने के बाद फिल्म को 15 नवंबर 2019 को फिर से रिलीज किया गया था फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी वहीं बॉलीवुड हंगामा ने इसे पांच में से साढ़े तीन की रेटिंग दी और लिखा सिद्धार्थ मल्होत्रा तारा सुतारिया स्टारर एक सच्ची नीला मसाला एंटरटेनर है जो अपने लक्ष्य दर्शकों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और वहीं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पांच में से साढ़े एक सितारों का मूल्यांकन किया और कहा मर एक उचित बॉलीवुड मसाला एंटरने और एंटरटेनर से कई से और कई सेट्स कम है जो इसके लिए सभी सामग्री होने के बावजूद इसकी आकांक्षा रखता है कमजोर और क्लेच और क्लेच प्लॉट लाइन के साथ साथ भारी भरकम संवाद जो प्रभावित होने चाहिए थे लेकिन अंत में खोल गए और वहीं और लेकिन अंत में खोखले लग गए थे समस्या का ही ये एक हिस्सा था द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को पाँच में से साढ़े दो सितारे दिए और समीक्षा की कि मर्जावा एक भावनात्मक एक्शन रोला कोष्टा के लिए सभी बॉक्सों की जांच करने का प्रयास करता है लेकिन इसका दिनांकित निष्पादन काफी मार नहीं डालता है वहीं मुंबई मिरर ने फिल्म को पाँच में से दो सितारे रेटिंग दी और कहा सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख और तारा सितारिया स्टारर एक थकाऊ घड़ी है वहीं वही स्क्रीन इन और वहीं फिल्म के लिए स्क्रीन इन के फिल्म को पाँच में से दो सितारे दिए और लिखा कि उन्नीस के दशक का बॉलीवुड फ्लैश जिसमें ऐसे पात्र है जो कार्डबोर्ड कटआउट है वहीं मरजावा का अपने ओपनिंग डे डोमेस्टिक कलेक्शन के हिसाब से इसके पहले दिन सात करोड़ था दूसरे दिन फिल्म ने साढ़े सात करोड़ का कलेक्शन किया तीसरे दिन फिल्म ने साढ़े दस करोड़ का कलेक्शन किया था जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 24 करोड़ हो गया था वही छब्बीस और वही और वही सोलह दिसंबर 2019 तक फिल्म ने सिक्स और भारत में 56 करोड़ और विदेशों में 8 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का दुनिया भर में 65 करोड़ का शुद्ध सकल संग्रह बन गया था फिल्म के लिए कई सारे आलोचना भी की गई थी यहाँ तक कि फिल्म में अभिनय करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा सर और तारा सितारिया मैम की प्रशंसा हुई फिल्म का ये संगीत तनिष्क बागची मीत ब्रदर्स पायल देव यो, यो सिंह आदित्य देव और संजय चौधरी द्वारा रचित है जिसके बोल कुमार तनिष्क बागची कुणाल वर्मा मनोज मंतशिर ए एम रश्मि विराग प्रसून जोशी ने लिखा है यो, यो सिंह डोपलियो और मुज्जा वही मुतबाद अजीज नाजा है वहीं दूसरा गीत एक तो कम जिंदगानी फिल्म और फिल्म जानबाज के गीत प्यार दो प्यार लो का रीमेक है अनिस बाज में के थैंक यू के बाद गाने का दूसरा रीमेक है जहां इसे प्रतिम और वहीं जहां इसमें प्रीतम में और प्रीतम ने संगीतबद्ध भी किया था वहीं चौथा गीत हैया हो दयावान के एक गीत चाहे मेरी जान फिल्म के दो गाने जिन्हें अंतिम कट से हटा दिया गया था उन्हें बाद में एकल के रूप में रिलीज किया गया था क्योंकि वो फिल्म की कहानी के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाते और वो नुसरत भरूचा अभिनेत गीत पीयू दत्ता के साथ और जो दो वही जो दो दिसंबर दो को रिलीज किया गया था और गीत मस्कअली टू को दो हजार नौ की रिलीज दिल्ली सिक्स के गीत मसकली का एक पुनर्निर्मित संस्करण है और आठ अप्रैल दो हजार बीस को रिलीज किया गया था वही मूल रूप से पाकिस्तानी कवाल नसरत फतेह अली खान द्वारा गाया गया एक पाकिस्तानी गीत सोना पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम द्वारा फिल्मों के के लिए कवर किया गया था फरवरी 2019 में ऑल इंडियन सिने एसोसिएशन ने सभी पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था वहीं इसलिए ट्रैक को अंतिम समय में भारतीय गायक जुबी नोटियाल द्वारा गायक गए एक संस्करण से बदला और वहीं बदल दिया गया था हालांकि ये गाना पाकिस्तानी कवाली का, का कवर बन रहा था जून 2020 में टी सीरीज ने यूट्यूब पर आतिफ असलम द्वारा गाया गया प्रारंभिक कवर जारी किया हालांकि इसे दूरदराज भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी महाराष्ट्र और वही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेतृत्व में एक धमकी भरे अभियान के बाद इसे हटाने और माफी जारी करने के लिए फिर से मजबूर किया गया था फिल्म के गाने को यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन मिला वहीं फिल्म के बारे में इसके कुछ दस इंटरेस्टिंग बात के बारे में अगर हम आपको बताएं तो मरजावा हिंदी लैंग्वेज में बनी एक रोमांटिक एक्शन मसाला फिल्म थी जो 15 नवंबर 2019 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में और इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख तारा सुतारिया और रकुलप्रीत सिंह जैसे कई बड़े एक्ट्रेस नज़र आए थे इनके अलावा नूरा फतेही और नुसरत भरूज चमचा भी अलग अलग आइटम्स और आइटम सॉन्ग में कैमियो करती नजर आई थी इस फिल्म की स्टोरी और डायरेक्शन का न और काम मिलाप मिलन जावेरी ने किया था वहीं बात दे कि मरजावा के अलावा मिलाप मिलन जावेरी ने रितेश देशमुख के साथ जाने कहां से आई है तुषार तो कपूर और वीरदास के साथ और वहीं वीरदास के साथ मस्त और मस्ती जादे और जान अब्राहम के साथ सत्यमेव जयते जैसे फिल्में भी बनाई है इनकी आने वाली फिल्मों में सत्यमेव जयते तो शामिल है जो अगले मई और जो अगले बारह मई 2021 के ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी इसके अलावा मरजावा फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो इस फिल्म को भूषण कुमार और निखिल आडवाणी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है वहीं इस फिल्म का म्यूजिक तनिष्क बागची, मिड ब्रोज, पायल देव और यो यो हनी सिंह ने मिलकर कंपोज किया था फिल्म में आठ गाने थे और सभी गाने उस साल काफी पसंद किए गए थे खासकर जो भी नोटयाल का गाना तुम ही आना उस साल सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था बाद में इस फिल्म के कई गाने पुराने गानों से दोबारा रिक्रिएट किए गए थे और इनमें एक गाना एक तो कम जिंद अनिल कपूर की फिल्म जानबाज के गाने प्यार दो प्यार लो से रिमिक्स किया गया था बाद दे और वही फिल्म के लिए ओरिजिनल गाने को अक्षय कुमार को मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्म थैंक यू में म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने भी इस्तेमाल किया था मर जावा फिल्म एक दूसरा गाना है हैया हो विनोद खन्ना की फिल्म दयावान के गाने चाहे मेरी जान तू ले ले से दोबारा रिक्रिएट किया गया था इसके अलावा और इसके अलावा तीसरा गाना किन्ना सोना पाकिस्तानी सूफी सिंगर नुसरत फतेह अली खान की ओरिजिनल कवाली किन्ना सोना तेनू से इस और वही इंस्पायर था जिसे पाकिस्तान के ही सिंगर आतिफ असलम ने गाया था वहीं लेकिन पाकिस्तानी कलाकारों के इंडिया में बैन होने की वजह से इन गाने का काफ़ी विरोध किया गया था जिसकी वजह से ये गाना दोबारा जुबीन नोटियाल से रिकॉर्ड करवाया गया और इनके अलावा फिल्म के लिए रिकॉर्ड किए गए दो गाने फिल्म में ही नहीं रखे गए थे और इन में हनी संग और हनी सिंह का गाना पी और पी डेट के और वहीं और मशक्ली टू फिल्म की रिलीज़ के काफ़ी दिनों बाद रिलीज़ किए गए थे वहीं मसक्कली टू पॉइंट साल दो हजार नौ में रिलीज हुई फिल्म दिल्ली सिक्स के गाने मसक अली से दोबारा रिक्रिएट किया गया था जो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया पर भी इसे कई दिनों तक ट्रोल किया गया था मरजावा फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा रघु रितेश देशमुख विष्णु शेट्टी और तारा सुतारिया जोया के किरदार में नजर आई है रघु है और जिसे बचपन से विष्णु के फादर अन्ना ने पाला है जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है अन्ना हमेशा से ही रघु को अपने बेटे से ज्यादा चाहता है इसी वजह से विष्णु रघु से नफरत करता है रघु लाइफ में जोया की एंट्री होती है दोनों काफी खुश होते हैं लेकिन विष्णु उसकी खुशियाँ छीनना चाहता है और तभी ऐसी और ऐसी बनाता है कि रघु जोया को खुद गोली मार देता है इसके बाद रघु जेल चला जाता है जेल से वापसी और वही वापस आने के बाद वो कैसे रघु से बदला लेता है और वही ये और वही यही फिल्म और फिल्म में दिखाया गया है फिल्म में कई और कई जगह हमें दमदार डायलॉग देखने को मिलता है साथ ही कई और कई जगह और कई जगह सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक्शन सीक्वेंस भी कमाल करते हैं तीस अक्टूबर दो में सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि और बताया था कि ये फिल्म 2 अक्टूबर 2019 में रिलीज की जाएगी और वही रिलीज होने और वही लेकिन इस दिन ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वो रिलीज होनी थी और इस वजह से मेकर्स ने मर की रिलीज डेट आगे बढ़ाकर 8 नवंबर कर दी थी वहीं लेकिन इस दिन आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला की रिलीज होने वाली थी इसके बाद मेकर्स ने फाइनलिंग इस फिल्म को 15 नवंबर को रिलीज किया इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादातर नेगेटिव रिव्यू मिले थे वहीं इतना ही नहीं आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला मरजावा से ठीक एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी और बाला अगले दो हफ्तों तक भी सिनेमाघरों में टिकी नहीं रही थी इसी वजह से इसका सीधा असर मरजावा की कमाई पर देख ने को मिला था वहीं हालांकि ऑडियंस ने इस फिल्म के लिए काफ़ी प्यार दिखाया इसलिए ये फिल्म अपना बजट निकालने में कामयाब रही फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े इस प्रकार हमें दिखाई जाती है कि फिल्म का बजट अड़चालीस करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छी कमाई भी की और फिल्म के लिए इसने 48 करोड़ की कमाई कर ली थी जो सिर्फ इंडिया की कमाई थी अगर हम पूरे और अगर हम पूरे दूसरे देशों की बात करें तो फिल्म ने 66 करोड़ की कमाई तो ऐसे ही कर ली थी हालांकि इस फिल्म से ऑडियंस को काफ़ी उम्मीदें थी लेकिन काफ़ी लोगों की उम्मीदों पर यह फ़िल्म खरी और खरी नहीं उतर पाई और बॉक्स ऑफिस पर अब वो एवरेज साबित हुई थी वहीं मरजावा के अलावा साल दो में और साल दो में कई बड़े फिल्में रिलीज हुई थी उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमा की। इस साल सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में पहले नंबर पर ऋतिक रोशन और टाइगर चौथे नंबर पर, पर, पर सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत और पांचवें नंबर पर अक्षय कुमार और दिलजीत की फिल्म गुड न्यूज थी वहीं फिल्म के एक सीन में और सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा कुछ गुंडों से लड़ते हैं और इस दिन में उसके और वहीं उनके शोल्डर और पीठ पर और पीठ पर आग लग जाती है इस सीन को शूट करने से पहले टीम ने बॉडी डबल का इस्तेमाल करने की प्लानिंग की हुई थी लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा को जब पता चला तो उन्होंने बॉडी डबल के लिए मना कर दिया और ये सीन खुद कम और वहीं ये सीन खुद कंप्लीट की वहीं हालांकि इस दौरान उन्हें थोड़ी चोट जरूर आई थी और इस बारे में फिल्म के डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेरी भी सिद्धार्थ की कई इंटरव्यू में तारीफ कर चुके हैं वहीं फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख और रितेश देशमुख इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए थे बाद में इससे पहले इन दोनों को साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म एक विलन में एक साथ देखा गया था यह फिल्म ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर रही थी इतना ही नहीं मर में जब सिद्धार्थ के सामने रितेश देशमुख की एंट्री दिखाई जाती है तो वो फिल्म एक विलन का ही सुपरहिट गाना तेरी गलियां गुनगुनाते हुए नजर आते हैं फिल्म में रितेश देशमुख पहली बार एक बौने के किरदार में रितेश रितेश और ये भी बताया था कि फिल्म में उनके बोने किरदार के अलावा कई जगह शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और रेड चिलीज बी ने काफी मदद की थी क्योंकि मर से पहले शाहरुख अपनी फिल्म जीरो में ठीक ऐसा और ठीक ऐसा ही किरदार निभा चुके हैं जिसमें उन्हीं की कंपनी ने काम किया था वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट रही इसके बाद इन्हें कई में और कई फिल्मों में देख, देखा जा चुका है इन और वहीं अब फिल्म के लिए इनमें हंसी तो फंसी ब्रदर्स कपूर एंड सन्स जैसी कई फिल्में शामिल है मरजावा जावा की रिलीज से काफ़ी टाइम पहले सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपनी फिल्म में नाइन्टी हीरो का रोल प्ले करना चाहते थे सिद्धार्थ को ये मौका फिल्म में और में मिला इस फिल्म में नाइन्टीज की फिल्मों की तरह बदले की स्टोरी दमदार डायलॉग और काफी सारे गाने भी रखे गए थे वहीं मरजावा फिल्म के लिए इससे कई सारे एक्शन दृश्यों को भी दिखाया गया था और फिल्म के लिए इसके सभी आभूषणों को देखा गया था फिल्म के लिए ड्रेसिंग सेंस को भी लाया गया था वहीं फिल्म के लिए अन्य कलाकारों में शादरन ढावा रवि किशन और अनंत जोग थे फिल्म के लिए सिनेमाटोग्राफी कर रहे थे निगम बोमजान और इसके एडिटर थे माहिर जावेरी वहीं फिल्म को म्यूजिक दिया था तनेश के बागची मेद ब्रोस ने फिल्म को टी सीरीज और एम एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया वही फिल्म को पेन सिने एंटरटेनमेंट और इनो, और इस इंटरनेशनल के बैनर तले वितरित किया गया था फिल्म का कर 40 करोड़ के बजट पर बनाया गया और इसने पूरे दुनिया में 66 करोड़ की कुल कमाई कर ली थी फिल्म के कई सारे गानों को दर्शकों ने पसंद किया साथ ही साथ आलोचकों ने फिल्म के लिए इसके इसके कई कई सारे सारे दर्शकों द्वारा प्रशंसित अभियानों को एक साथ दिखाया गया जो कि फिल्म के लिए प्रस्तुति कर रहे और फिल्म के लिए इनके खुद के इस प्रदर्शन को आलोचकों के साथ साथ कई सारे अन्य दर्शकों के साथ पसंद किया गया था वहीं फिल्म के लिए इसके सिप्नोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो फिल्म की कहानी रघु से शुरू होती है रघु स्थानीय ठग नारायण अन्ना का वफादार गुंडा है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित करता है रघु पर अन्ना की निर्भरता अन्ना के बेटे विष्णु के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठती है जिसका परि और जिसका परिसर केवल उसके छोटे कद से अधिक है क्योंकि वो केवल तीन फीट लंबा है वहीं जब रघु जोया के प्यार में पड़ जाता है जो एक को संगीत की ओर झुकाव रखने वाली कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को संगीत सिखाती है विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडों को बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के अवसर पर कूद पड़ता है वहीं विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गाय टोड़े का अपहरण कर लिया होता है और एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह के लिए चुना था जोया ये देखती है और भाग जाती है वहीं लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति उसके उपस्थिति को देख सकता था वहीं विष्णु अन्ना को बताता है कि गाय तोड़े की हत्या का एक चश्मदीद गवाह था और वह गवाह जोया है इसलिए अन्ना रघु को जोया को मारने का आदेश देता है और ये नहीं जानते हुए कि रघु से प्यार करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रघु जोया को ढूंढ और वहीं ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की कोशिश करता है लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का आदेश देता है ऐना रघु को कहती है कि और वहीं ऐना रघु को कहता है और कहती है कि अगर वो केवल जोया को मारेगा तो वो और बच्चे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वह गाय टोड़े की हत्या की चश्मदीद गवाह है जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि ताकि वो और उसके बच्चे सुरक्षित रहे जोया रघु को बंदूक देती है अपना अंगूठा उसके ऊपर रखती है ट्रिगर खींचती है और उसकी बाहों में मर जाती है पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक रघु को गिरफ्तार किया जेल में रघुदास और वहीं दिल टूटा हुआ पाता है बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में और दफनाने में मदद करते हैं वहीं विष्णु जेल में र, और जेल में रघु को मारने की कोशिश करता है ये जानकर कि क्या वो रिहा हो जाएगा वो बदला लेगा हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की पिटाई करता है तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के पैर पर हमला करता है और काट देता है क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी वहीं जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को जा और रघु को आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में मदद करता है रघु की रिहाई पर उसे मारने की योजना बना रहा होता है हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जया की मौत के बाद रघु पहले जैसा नहीं है और ऐना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन रघु की मौत हो गई विष्णु रघु को उसके पुराने

उसके साथ शामिल हो जाते हैं अब बात करें फिल्म के कास्टिंग के बारे में तो फिल्म में रितेश देशमुख सर ने विष्णु शेट्टी के केदार को निभाया सिद्धार्थ मल्होत्रा सर ने रघुवेंद्र उल्फ रघुनाथ की भूमिका निभाई तारा सुतारिया ने जोया अहमद की भूमिका निभाई रघुल प्रीत सिंह ने आरजू हुसैन की भूमिका निभाई वहीं नाथ सर ने नारायण शेट्टी के केदार को उल्फ नारायण अन्ना की भूमिका निभाई वहीं अन्य सहायक कलाकारों में शाद रंधा बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के महान डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेद रिसर द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म मरजावा मूवी के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म के हिंदी रिलीज डेट के बारे में और इस फिल्म की पोस्टर कब रिलीज की गई थी ये भी हम आपको बताने वाले हैं हाल ही में आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनसुनी बातें बताने वाले हैं जिससे मरजावा मूवी के बारे में अभी अभी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों हम फिल्म के बारे में कुछ दस ऐसे इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स आपको बताने जा रहे हैं जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम मरजावा मूवी के बारे में इसके बजट के बारे में भी खुलासा करेंगे साथ ही साथ फिल्म ने अब तक दुनिया भर में कितने की कमाई की है और ये आगे चलकर कितने की कमाई कर सकती है ये सभी बातें आज के हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगर हम कभी भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा और आप सभी में से किस किस को सिद्धार्थ मल्होत्रा सर द्वारा अभिनीत फिल्म पसंद आती है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मरजावा जो कि 2019 की हिंदी भाषा में बनाई गई खुद की एक रोमांस एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें मिलाप मिलन जावेरी द्वारा लिखित और निर्देशित कई सारे बोल है और इनमें एंटरटेनमेंट टी सीरीज द्वारा निर्मित किया गया है मर सितारों में सिद्धार्थ मल्होत्रा देशमुख और तारा सुतारिया मैम के साथ साथ रकुलप्रीत सिंह मैम भी फिल्म में मुख्य भूमिका में है इसे सहनिर्माता भूषण कुमार ने मला और मशाला और प्रेम कहानी के रूप में वर्णित किया है फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर बेवर और वही बॉक्स ऑफिस पर व्यवसायिक रूप से औसत से नीचे थी मलजवा का संगीत एल्बम टी सीरीज के तहत जारी किया गया था और इसके गाने तुम ही आना थोड़ी जगह और के साथ सबसे बड़े चार्टबस्टर में से एक बन गए वहीं इस फिल्म के गाने तुम ही आना और थोड़ी जगह YouTube पर भी बहुत ही ज़्यादा तेजी से वायरल होने लगे पीओ दत्त के और आइटम नंबर एक तो कम जिंदगानी ने चार्ट बटोर रहे थे वहीं एक तो कम जिंदगानी में नोरा फतेही के डांस को लेकर दर्शकों ने खूब इंजॉय किया इसे भारत में पेन एंटरटेनमेंट और विदेशों में रोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित किया गया था वहीं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 7 दिसंबर 2018 को शुरू हुई जब मल्होत्रा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीर साझा की थी दूसरा शेड्यूल जनवरी के माध्यम से शुरू होने वाला है और मार्च 2019 तक समाप्त हो जाएगा वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा एक दर्जन गुंडों के साथ शूटिंग कर रहे हैं और एक्शन मोड में आ गए थे स्टंट टीम एक बॉडी डबल के साथ शूट करना चाहती थी क्योंकि सिद्धार्थ की पीठ और कंधे में आग लग गई थी लेकिन वह इसे प्रामाणिकता दिखाने और अपने चरित्र के प्रति सच्चे रहने के लिए खुद सीन करने पर अड़े रहे थे और आखिरकार वो सिंह सिद्धार्थ मल्होत्रा सर ने खुद की थी और उस सीन के लिए कोई भी डबल बॉडी नहीं रखा गया था वहीं नवंबर 2019 और 19 में देशमुख ने खुलासा किया कि शाहरुख खान ने बोने के रूप में पूर्व की भूमिका के लिए कुछ बीएफएक्स शॉट्स के साथ प्रोडक्शन टीम की मदद की थी सिद्धार्थ ने 15 मार्च 2019 को गानों को छोड़कर अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की थी उन्होंने एक हार्दिक संदेश के साथ क्रियो के साथ एक तस्वीर पोस्ट करके इस खबर की घोषणा भी की थी फिल्म का आधिकारिक पोस्टर 30 अक्टूबर 2018 को सिद्धार्थ मल्होत्रा द्वारा साझा किया गया था, जिसमें 8 नवंबर 2019 को रिलीज की तारीख की घोषणा भी की गई थी और वहीं 5 अगस्त 2019 को ये बताया गया कि मल्होत्रा ने घोषणा की और घोषणा की कि टाइगर अभिनेत्र सिद्धार्थ आनंद की बड़े बजट की फिल्म वॉर के साथ टकरा और वहीं टकराव से बचने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और साथ ही साथ फिल्म में देरी हो रही थी श्रॉफर ऋतिक रोशन लेकिन रिलीज की तारीख की पुष्टि नहीं हुई थी श्रौफ सर और ऋतिक रोशन सर द्वारा अभिनेत इस फिल्म में काफ़ी ज्यादा एक्शन प्रभाव दृश्य भी शामिल थे वहीं इस फिल्म को वॉर फिल्म के बाद रिलीज करने की पुष्टि भी की गई थी जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा सर ने खुद की थी और वहीं 23 अगस्त 2019 को मल्होत्रा द्वारा पहले पोस्टर का अनावरण किया गया जिसमें 8 नवंबर 2019 की नई रिलीज की तारीख भी दी गई थी 3 सितंबर को एक दूसरे पोस्टर का अनावरण किया गया जिसमें दिखाया गया कि फिल्म की रिलीज की तारीख 8 नवंबर तक बढ़ गई थी वहीं 10 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा की कि फिल्म की नई रिलीज की तारीख पंद्रह नवम्बर दो को है वहीं फिल्म बाला को और बाला के रिलीज के लिए समायोजित करने के लिए रिलीज की तारीख को एक सप्ताह आगे बढ़ाने जाने के बाद फिल्म को 15 नवंबर 2019 को फिर से रिलीज किया गया था फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी वहीं बॉलीवुड हंगामा ने इसे पांच में से साढ़े तीन की रेटिंग दी और लिखा सिद्धार्थ मल्होत्रा तारा सुतारिया स्टारर एक सच्ची नीला मसाला एंटरटेनर है जो अपने लक्ष्य दर्शकों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और वहीं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पांच में से साढ़े एक सितारों का मूल्यांकन किया और कहा मरजावा एक उचित बॉलीवुड मसाला एंटरने और एंटरटेनर से कई से और कई सेट्स कम है जो इसके लिए सभी सामग्री होने के बावजूद इसकी आकांक्षा रखता है कमजोर और क्लेच और क्लेच प्लॉट लाइन के साथ साथ भारी भरकम संवाद जो प्रभावित होने चाहिए थे लेकिन अंत में खोल गए और वहीं और लेकिन अंत में खोखले लग गए थे समस्या का ही ये एक हिस्सा था द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को पाँच में से साढ़े दो सितारे दिए और समीक्षा की कि मर्जावा एक भावनात्मक एक्शन रोला कोष्टा के लिए सभी की जांच करने का प्रयास करता है लेकिन इसका दिनांक निष्पादन काफी मार नहीं डालता है वहीं मुंबई मिरर ने फिल्म को में से दो सितारे रेटिंग दी और कहा ये और तारा सितारिया स्टारर एक थकाऊ घड़ी है वहीं वही स्क्रीन इन और वहीं फिल्म के लिए स्क्रीन इन के फिल्म को में से दो सितारे दिए और लिखा कि उन्नीस के दशक का बॉलीवुड फ्लैश जिसमें ऐसे पात्र हैं जो कार्डबोर्ड कटआउट है वहीं मरजावा का आपने ओपनिंग डे का डोमेस्टिक कलेक्शन के हिसाब से इसके पहले दिन सात करोड़ था दूसरे दिन फिल्म ने साढ़े सात करोड़ का कलेक्शन किया तीसरे दिन फिल्म ने साढ़े दस करोड़ का कलेक्शन किया था जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ हो गया था वहीं छब्बीस और वहीं और वहीं सोलह दिसंबर दो तक फिल्म ने फिफ्टी सिक्स और भारत में 56 करोड़ और विदेशों में 8 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का दुनिया भर में 65 करोड़ का शुद्ध सकल संग्रह बन गया था फिल्म के लिए कई सारी आलोचना भी की गई थी यहाँ तक कि फिल्म में अभिनय करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा सर और तारा सितारिया मैम की प्रशंसा हुई फिल्म का ये संगीत तनिष्क बागची पायल देव यो, यो हनी सिंह आदित्य देव और संजय चौधरी द्वारा रचित है जिसके बोल कुमार तनिष्क बागची कुणाल वर्मा मनोज मुंतशिर ए एम तुराज रश्मि विराग प्रसून जोशी ने लिखा है योयो यो हनी सिंह डोपलियो और मुज्जा और वही मुतबाद अजीज नाजा है वहीं दूसरा गीत एक तो कम जिंदगानी फिल्म और फिल्म जानबाज के गीत प्यार दो प्यार लो का रीमेक है अनिस बाज में के थैंक यू के बाद गाने का दूसरा रीमेक है जहां इसे प्रतीम और वहीं जहां इसमें प्रीतम में और प्रीतम ने संगीतबद्ध भी किया था वहीं चौथा गीत हैया हो दयावान के एक गीत चाहे मेरी जान ले ले फिल्म के दो गाने जिन्हें अंतिम कट से हटा दिया गया था उन्हें बाद में एकल के रूप में रिलीज किया गया था क्योंकि वो फिल्म की कहानी के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाते और वो नुसरत भरूचा अभिनीत गीत पीयू दत्ता के साथ और जो दो वही जो दो दिसंबर दो को रिलीज किया गया था और गीत मस्कअली टू को 2009 की रिलीज दिल्ली सिक्स के गीत मशक्कली का एक पुनर्निर्मित संस्करण है और 8 अप्रैल 2020 को रिलीज किया गया था वहीं मूल रूप से पाकिस्तानी कवाल नुसरत फतेह अली खान द्वारा गाया गया एक पाकिस्तानी गीत सोना पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम द्वारा फिल्मों के के लिए कवर किया गया था। फरवरी 2019 में ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सभी पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था वहीं इसलिए ट्रैक को अंतिम समय में भारतीय गायक जुबी नोटियाल द्वारा गाय एक संस्करण से बदला और वहीं बदल दिया गया था हालांकि ये गाना पाकिस्तानी कवाली का, का कवर बन रहा था जून 2020 में टी सीरीज ने यूट्यूब पर आतिफ असलम द्वारा गाया गया प्रारंभिक कवर जारी किया हालांकि इसे दूरदराज भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी महाराष्ट्र और वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेतृत्व में एक धमकी भरे अभियान के बाद इसे हटाने और माफी जारी करने के लिए फिर से मजबूर किया गया था फिल्म के गाने को यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन मिला वहीं फिल्म के बारे में इसके कुछ दस इंटरेस्टिंग बात के बारे में अगर हम आपको बताएं तो मरजावा हिंदी लैंग्वेज में बनी एक रोमांटिक एक्शन मसाला फिल्म थी जो 15 नवंबर 2019 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में और इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख तारा सुतारिया और रकुलप्रीत सिंह जैसे कई बड़े एक्ट्रेस नजर आए थे इनके अलावा नोरा फतेही और नुसरत भरू चा भी अलग-अलग आइटम्स और आइटम सॉन्ग में कैमियो करती नजर आई थी इस फिल्म की स्टोरी और डायरेक्शन का ना और काम मिलाप मिलन जावेरी ने किया था वहीं बात देखि मरजावा के अलावा मिलाप मिलन जावेरी ने रितेश देशमुख के साथ जाने कहाँ से आई है तुषार कपूर और वीरदास के साथ और वहीं वीरदास के साथ मस्त और मस्ती जादे और जान अब्राहम के साथ सत्यमेव जयते जैसे फिल्में भी बनाई है इनकी आने वाली फिल्मों में सत्यमेव जयते तो शामिल है जो अगले मई और जो अगले बारह मई 2021 के ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी इसके अलावा अमर जावा फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो इस फिल्म को भूषण कुमार और निखिल आडवाणी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है वहीं इस फिल्म का म्यूजिक तनिष्क बागची मिड ब्रोज पायल देव और योयो हनी सिंह ने मिलकर कंपोज किया था फिल्म में आठ गाने थे और सभी गाने उस साल काफी पसंद किए गए थे खासकर जब इन नोटियाल का गाना तुम ही आना उस साल सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था बाद में इस फिल्म के कई गाने पुराने गानों से दोबारा रिक्रिएट किए गए थे और इनमें एक गाना एक तो कम जिंद अनिल कपूर की फिल्म जानबाज के गाने प्यार दो प्यार लो से रिमिक्स किया गया था बाद दे और वही फिल्म के लिए ओरिजिनल गाने को अक्षय कुमार को मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्म थैंक यू में म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने भी इस्तेमाल किया था मर जावा फिल्म एक दूसरा गाना है हैया हो विनोद खन्ना की फिल्म दयावान के गाने चाहे मेरी जान तू ले ले से दोबारा रिक्रिएट किया गया था इसके अलावा और इसके अलावा तीसरा गाना किन्ना सोना पाकिस्तानी सूफी सिंगर नसरत फतेह अली खान की ओरिजिनल कवाली किन्ना सोना तेनू से इस और वही इंस्पायर था जिसे पाकिस्तान के ही सिंगर आतिफ असलम ने गाया था वहीं लेकिन पाकिस्तानी कलाकारों के इंडिया में बैन होने की वजह से इन गाने का काफ़ी विरोध किया गया था जिसकी वजह से ये गाना दोबारा जुबिन नोटियाल से रिकॉर्ड करवाया गया और इनके अलावा फिल्म के लिए रिकॉर्ड किए गए दो गाने फिल्म में ही नहीं रखे गए थे और इनमें हनी सिंह और हनी सिंह का गाना पी और पी डेट के और वहीं म, और मशक्क अली फिल्म की रिलीज़ के काफ़ी दिनों बाद रिलीज किए गए थे ली टू पॉइंट साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म दिल्ली सिक्स के गाने मसकअली से दोबारा रिक्रिएट किया गया था जो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया पर भी इसे कई दिनों तक ट्रोल किया गया था मरजावा फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा रघु रितेश देशमुख विष्णु शेट्टी और तारा सुतारिया जोया के किरदार में नजर आई है रघुआनाथ है और जिसे बचपन से विष्णु के फादर अन्ना ने पाला है जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है अन्ना हमेशा से ही रघु को अपने बेटे से ज्यादा चाहता है इसी वजह से विष्णु रघु से नफरत करता है इसी बीच रघु की लाइफ में जोया की एंट्री होती है दोनों काफी खुश होते हैं लेकिन विष्णु उसकी खुशियाँ छीनना चाहता है और तभी ऐसी और ऐसी बनाता है कि रघु जोया को खुद गोली मार देता है इसके बाद रघु जेल चला जाता है जेल से वापसी और वहीं वापस आने के बाद वो कैसे रघु से बदला लेता है और वहीं ये और वहीं यही फिल्म और फिल्म में दिखाया गया है फिल्म में कई और कई जगह हमें दमदार डायलॉग देखने को मिलता है साथ ही कई और कई जगह और कई जगह सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक्शन सीक्वेंस भी कमाल करते हैं तीस अक्टूबर दो में सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक पोस्टर रिलीज किया गया था इसमें उन्होंने बताया था कि और बताया था कि ये फिल्म 2 अक्टूबर 2019 में रिलीज की जाएगी और वहीं रिलीज होने और वहीं लेकिन इस दिन ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ़ की फिल्म वो रिलीज होनी थी और इस वजह से मेकर्स ने मर की रिलीज डेट आगे बढ़ाकर 8 नवंबर कर दी थी वहीं लेकिन इस दिन आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला की रिलीज होने वाली थी इसके बाद मेकर्स ने फाइनलिंग इस फिल्म को 15 नवंबर को रिलीज किया इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादातर नेगेटिव रिव्यू मिले थे वहीं इतना ही नहीं आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला मरजावा से ठीक एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी और बाला अगले दो हफ्तों तक भी सिनेमाघरों में टिकी नहीं रही थी इसी वजह से इसका सीधा असर मरजावा की कमाई पर देख देखने को मिला था वहीं हालांकि ऑडियंस ने इस फिल्म के लिए काफ़ी प्यार दिखाया इसलिए ये फिल्म अपना बजट निकालने में कामयाब रही फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े इस प्रकार हमें दिखाई जाती है कि फिल्म का बजट अड़चालीस करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छी कमाई भी की और फिल्म के लिए इसने 48 करोड़ की कमाई कर ली थी जो सिर्फ इंडिया की कमाई थी अगर अगर हम पूरे और अगर हम पूरे दूसरे देशों की बात करें तो फिल्म ने 66 करोड़ की कमाई तो ऐसे ही कर ली थी हालांकि इस फिल्म से ऑडियंस को काफ़ी उम्मीदें थी लेकिन काफ़ी लोगों की उम्मीदों पर यह फिल्म खरी और खरी नहीं उतर पाई और बॉक्स ऑफिस पर अब वो वेवरेज साबित हुई थी वहीं मरजावा के अलावा साल दो में और साल दो में कई बड़े फिल्में रिलीज हुई थी उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमा की। इस साल सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में पहले नंबर पर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ चौथे नंबर पर, पर, पर सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत और पांचवें नंबर पर अक्षय कुमार और दिलजीत की फिल्म गुड न्यूज थी वहीं फिल्म के एक सीन में और सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा कुछ गुंडों से लड़ते हैं और इस दिन में उसके और वहीं उनके शोल्डर और पीर पर और पीठ पर आग लग जाती है इस सीन को शूट करने से पहले टीम ने बॉडी डबल का इस्तेमाल करने की प्लानिंग की हुई थी लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा को जब पता चला तो उन्होंने बॉडी डबल के लिए मना कर दिया और ये सीन खुद कम और वहीं ये सीन खुद कंप्लीट की वहीं हालांकि इस दौरान उन्हें थोड़ी चोट जरूर आई थी और इस बारे में फिल्म के डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेरी भी सिद्धार्थ की कई इंटरव्यू में तारीफ कर चुके हैं वहीं फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख और रितेश देशमुख इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए थे बाद में इससे पहले इन दोनों को साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म एक विलन में एक साथ देखा गया था यह फिल्म ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर रही थी इतना ही नहीं मर में जब सिद्धार्थ के सामने रितेश देशमुख की एंट्री दिखाई जाती है तो वो फिल्म एक विलन का ही सुपरहिट गाना गलियां गुनगुनाते हुए नजर आते हैं फिल्म में रितेश देशमुख पहली बार एक बौने के किरदार में नजर रीतेश और ये भी बताया था कि फिल्म में उनके बोने किरदार के अलावा कई जगह शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट और रेड चिलीज बी ने काफी मदद की थी क्योंकि मरजावा से पहले शाहरुख खान अपनी फिल्म जीरो में ठीक ऐसा और ठीक ऐसा ही किरदार निभा चुके हैं जिसमें उन्हीं की कंपनी ने काम किया था वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट रही इसके बाद इन्हें कई में और कई फिल्मों में देख, देखा जा चुका है इन और वहीं अब फिल्म के लिए इनमें हंसी तो फंसी ब्रदर्स कपूर एंड सन्स जैसे कई फिल्में शामिल है मरजावा जावा की रिलीज से काफ़ी टाइम पहले सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपनी फिल्म में नाइन्टी टाइप हीरो का रोल प्ले करना चाहते थे सिद्धार्थ को ये मौका फिल्म मरजावा में और मर में मिला इस फिल्म में नाइन्टीज की फिल्मों की तरह बदले की स्टोरी दमदार डायलॉग और काफी सारे गाने भी रखे गए थे वहीं मरजावा फिल्म के लिए इससे कई सारे एक्शन दृश्यों को भी दिखाया गया था और फिल्म के लिए इसके सभी आभूषणों को देखा गया था फिल्म के लिए ड्रेसिंग सेंस को भी लाया गया था वहीं फिल्म के लिए अन्य कलाकारों में शादरन ढावा रवि किशन और अनंत जोग थे फिल्म के लिए सिनेमाटोग्राफी कर रहे थे निगम बोमजान और इसके एडिटर थे माहिर जावेरी वहीं फिल्म को म्यूजिक दिया था तनेश के बागची मेद ब्रोस ने फिल्म को टी सीरीज और एम एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया वहीं फिल्म को पेन मरूधर सिने एंटरटेनमेंट तो और इनो, और इरोस इंटरनेशनल के बैनर तले वितरित किया गया था फिल्म का 40 करोड़ के बजट पर बनाया गया और इसने पूरे दुनिया में 66 करोड़ की कुल कमाई कर ली थी फिल्म के कई सारे गानों को दर्शकों ने पसंद किया साथ ही साथ आलोचकों ने फिल्म के लिए इसके कई सारे दर्शकों द्वारा प्रशंसित इसके कई सारे अभियानों को एक साथ दिखाया गया जो कि फिल्म के लिए प्रस्तुति कर रहे और फिल्म के लिए इनके खुद के इस प्रदर्शन को आलोचकों के साथ-साथ कई सारे अन्य दर्शकों के साथ पसंद किया गया था वहीं फिल्म के लिए इसके सिप्नोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो फिल्म की कहानी रघु से शुरू होती है रघु स्थानीय ठग नारायण अन्ना का वफ़ादार गुंडा है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित करता है रघु पर अन्ना की निर्भरता अन्ना के बेटे विष्णु के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठती है जिसका परि और जिसका परिसर केवल उसके छोटे कद से अधिक है क्योंकि वो केवल तीन फीट लंबा है वहीं जब रघु जोया के प्यार में पड़ जाता है जो एक मोकु संगीत की ओर झुकाव रखने वाली कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को संगीत सिखाती है विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडों को बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के अवसर पर कूद पड़ता है वहीं विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गाय टोड़े का अपहरण कर लिया होता है और एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह के लिए चुना था जोया ये देखती है और भाग जाती है वहीं लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति उसके उपस्थिति को देख सकता था वहीं विष्णु अन्ना को बताता है कि गाय तोड़े की हत्या का एक चश्मदीद गवाह था और वह गवाह जोया है इसलिए अन्ना रघु को जोया को मारने का आदेश देता है और ये नहीं जानते हुए कि रघु से प्यार करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रघु जोया को ढूंढ और वहीं ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की कोशिश करता है लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का आदेश देता है ऐना रघु को कहती है कि और वहीं ऐना रघु को कहता है और कहती है कि अगर वो केवल जोया को मारेगा तो वो और बच्चे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वो गाय टोड़े की हत्या की चश्मदीद गवाह है जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि कि वो और उसके बच्चे सुरक्षित रहे जोया रघु को बंदूक देती है अपना अंगूठा उसके ऊपर रखती है ट्रिगर खींचती है और उसकी बाहों में मर जाती है पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक रघु को गिरफ्तार किया जेल में रघु दास और वही दिल टूटा हुआ पाता है बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में और दफनाने में मदद करते हैं वहीं विष्णु जेल जेल में र, और जेल में और रघु को मारने की कोशिश करता है जानकर कि क्या वो, रिहा हो जाएगा, वो बदला लेगा हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की पिटाई करता है तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के पैर को पर हमला करता है और काट देता है क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी वहीं जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को जा और रघु को आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में मदद करता है रघु की रिहाई पर उसे मारने की योजना बना रहा होता है हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु पहले जैसा नहीं है और ऐना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन रघु की मौत हो गई विष्णु रघु को उसके पुराने

के साथ शामिल हो जाते हैं अब बात करें फिल्म के कास्टिंग के बारे में तो फिल्म में रितेश देशमुख सर ने विष्णु शेट्टी के केदार को निभाया सिद्धार्थ मल्होत्रा सर ने रघुवेंद्र उल्फ रघुनाथ की भूमिका निभाई तारा सुतारिया ने जोया अहमद की भूमिका निभाई रघुल प्रीत सिंह ने आरजू हुसैन की भूमिका निभाई वही नाथ सर ने नारायण शेट्टी के केदार को उल्फ नारायण अन्ना की भूमिका निभाई वही अन्य सहायक कलाकारों में शाद रंधावार बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के महान डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेद रिसर द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म मरजावा मूवी के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म के हिंदी रिलीज डेट के बारे में और इस फिल्म की पोस्टर कब रिलीज की गई थी ये भी हम आपको बताने वाले हैं हाल ही में आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनसुनी बातें बताने वाले हैं जिससे मरजावा मूवी के बारे में अभी अभी निकाल गई है जी हाँ दोस्तों हम फिल्म के बारे में कुछ 10 ऐसे इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स आपको बताने जा रहे हैं जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम मरजावा मूवी के बारे में इसके बजट के बारे में भी खुलासा करेंगे साथ ही साथ फिल्म ने अब तक दुनिया भर में कितने की कमाई की है और यह आगे चलकर कितने की कमाई कर सकती है ये सभी बातें आज के हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगर हम कभी भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो इससे शेयर भी कर दीजिएगा और आप सभी में से किस किस को सिद्धार्थ मल्होत्रा सर द्वारा अभिनित फिल्म पसंद आती है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मरजावा जो कि 2019 की हिंदी भाषा में बनाई गई खुद की एक रोमांस एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें मिलाप मिलन जावेरी द्वारा लिखित और निर्देशित कई सारे बोल है और इनमें एंटरटेनमेंट टी सीरीज द्वारा निर्मित किया गया है मर सितारों में सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख और तारा सितारिया मैम के साथ साथ रकुलप्रीत सिंह मैम भी फिल्म में मुख्य भूमिका में है इसे सह निर्माता भूषण कुमार ने मला और मशाला और प्रेम कहानी के रूप में वर्णित किया है फिल्म को समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर बेवर और वही बॉक्स ऑफिस पर व्यवसायिक रूप से औसत से नीचे थी मजवा का संगीत एल्बम टी सीरीज के तहत जारी किया गया था और इसके गाने तुम ही आना थोड़ी जगह और के साथ सबसे बड़े चार्टबस्टर में से एक बन गए वहीं इस फिल्म के गाने तुम ही आना और थोड़ी जगह YouTube पर भी बहुत ही ज़्यादा तेजी से वायरल होने लगे पीओ दत्त के और आइटम नंबर एक तो कम जिंदगानी ने चार्ट बटोर रहे थे वहीं एक तो कम जिंदगानी में नोरा फतेही के डांस को लेकर दर्शकों ने खूब इंजॉय किया इसे भारत में पेन एंटरटेनमेंट और विदेशों में रोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित किया गया था वहीं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 7 दिसंबर 2018 को शुरू हुई जब मल्होत्रा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीर साझा की थी दूसरा शेड्यूल जनवरी के माध्यम से शुरू होने वाला है और मार्च 2019 तक समाप्त हो जाएगा वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा एक दर्जन गुंडों के साथ शूटिंग कर रहे हैं और एक्शन मोड में आ गए थे स्टंट टीम एक बॉडी डबल के साथ शूट करना चाहती थी क्योंकि सिद्धार्थ की पीठ और कंधे में आग लग गई थी लेकिन वो इसे प्रामाणिकता दिखाने और अपने चरित्र के प्रति सच्चे रहने के लिए खुद सीन करने पर अड़े रहे थे और आखिरकार वो सिंह सिद्धार्थ मल्होत्रा सर ने खुद की थी और उस सीन के लिए कोई भी डबल बॉडी नहीं रखा गया था वही नवंबर 2019 और 19 में देशमुख ने खुलासा किया कि खान ने बोने के रूप में की शाहरुख में प्रोडक्शन टीम की मदद की थी सिद्धार्थ ने 15 मार्च 2019 को गानों को छोड़कर अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की थी उन्होंने एक हार्दिक संदेश के साथ क्री के साथ एक तस्वीर पोस्ट करके इस खबर की घोषणा भी की थी फिल्म का आधिकारिक पोस्टर 30 अक्टूबर 2018 को सिद्धार्थ मल्होत्रा द्वारा साझा किया गया था, जिसमें 8 नवंबर 2019 को रिलीज की तारीख की घोषणा भी की गई थी और वहीं 5 अगस्त 2019 को यह बताया गया कि मल्होत्रा ने घोषणा की और घोषणा की कि टाइगर अभिनेत्र सिद्धार्थ आनंद की बड़े बजट की फिल्म वॉर के साथ टकरा और वही टकराव से बचने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और साथ ही साथ फिल्म में देरी हो रही थी श्रॉफर ऋतिक रोशन लेकिन रिलीज की तारीख की पुष्टि नहीं हुई थी श्रॉफ सर और ऋतिक रोशन सर द्वारा अभिनेत इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा एक्शन प्रभाव दृश्य भी शामिल थे वहीं इस फिल्म को वॉर फिल्म के बाद रिलीज करने की पुष्टि भी की गई थी जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा सर ने खुद की थी और वहीं 23 अगस्त 2019 को मल्होत्रा द्वारा पहले पोस्टर का अनावरण किया गया जिसमें 8 नवंबर 2019 की नई रिलीज की तारीख भी दी गई थी 3 सितंबर को एक दूसरे पोस्टर का अनावरण किया गया जिसमें दिखाया गया कि फिल्म की रिलीज की तारीख 8 नवंबर तक बढ़ गई थी वहीं 10 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा की कि फिल्म की नई रिलीज की तारीख पंद्रह नवम्बर दो को है वहीं फिल्म बाला को और बाला के रिलीज के लिए समायोजित करने के लिए रिलीज की तारीख को एक सप्ताह आगे बढ़ाने जाने के बाद फिल्म को 15 नवंबर 2019 को फिर से रिलीज किया गया था फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी वहीं बॉलीवुड हंगामा ने इसे पांच में से साढ़े तीन की रेटिंग दी और लिखा सिद्धार्थ मल्होत्रा तारा सुतारिया स्टारर एक सच्ची नीला मसाला एंटरटेनर है जो अपने लक्ष्य दर्शकों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और वहीं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पांच में से साढ़े एक सितारों का मूल्यांकन किया और कहा मरजावा एक उचित बॉलीवुड मसाला एंटरने और एंटरटेनर से कई से और कई सेट्स कम है जो इसके लिए सभी सामग्री होने के बावजूद इसकी आकांक्षा रखता है कमजोर और क्लेच और क्लेच प्लॉट लाइन के साथ साथ भारी भरकम संवाद जो प्रभावित होने चाहिए थे लेकिन अंत में खोल गए और वहीं और लेकिन अंत में खोखले लग गए थे समस्या का ही ये एक हिस्सा था द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को पाँच में से साढ़े दो सितारे दिए और समीक्षा की कि मर्जावा एक भावनात्मक एक्शन रोला कोष्टा के लिए सभी बॉक्सों की जांच करने का प्रयास करता है लेकिन इसका दिनांकित निष्पादन काफी मार नहीं डालता है वहीं मुंबई मिरर ने फिल्म को पाँच में से दो सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख और तारा सितारिया स्टारर एक थकाऊ घड़ी है वहीं वही स्क्रीन इन और वहीं फिल्म के लिए स्क्रीन इन के फिल्म को पाँच में से दो सितारे दिए और लिखा कि उन्नीस के दशक का बॉलीवुड फ्लैश जिसमें ऐसे पात्र है जो कार्डबोर्ड कटआउट है वहीं मरजावा का आपने ओपनिंग डे डोमेस्टिक कलेक्शन के हिसाब से इसके पहले दिन सात करोड़ था दूसरे दिन फिल्म ने साढ़े सात करोड़ का कलेक्शन किया तीसरे दिन फिल्म ने साढ़े दस करोड़ का कलेक्शन किया था जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ हो गया था वहीं छब्बीस और वहीं और वहीं सोलह दिसंबर दो तक फिल्म ने फिफ्टी सिक्स और भारत में 56 करोड़ और विदेशों में 8 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का दुनिया भर में 65 करोड़ का शुद्ध सकल संग्रह बन गया था फिल्म के लिए कई सारी आलोचना भी की गई थी यहाँ तक कि फिल्म में अभिनय करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा सर और तारा सितारिया मैम की प्रशंसा हुई फिल्म का ये संगीत तनिष्क बागची मीत ब्रदर्स पायल देव योयो यो हनी सिंह आदित्य देव और संजय चौधरी द्वारा रचित है जिसके बोल कुमार तनिष्क बागची कुणाल वर्मा मनोज मुंतशिर ए एम तुराज रश्मि विराग प्रसून जोशी ने लिखा है योयो यो हनी सिंह डोपलियो और मुज्जा और वही मुतबाज अजीज नाजा है वहीं दूसरा गीत एक तो कम जिंदगानी फिल्म और फिल्म जानबाज के गीत प्यार दो प्यार लो का रीमेक है अनीस बाज में के थैंक यू के बाद गाने का दूसरा रीमेक है जहां इसे प्रतिम और वहीं जहां इसमें प्रीतम में और प्रीतम ने संगीतबद्ध भी किया था वहीं चौथा गीत हैया हो दयावान के एक गीत चाहे मेरी जान फिल्म के दो गाने जिन्हें अंतिम कट से हटा दिया गया था उन्हें बाद में एकल के रूप में रिलीज किया गया था क्योंकि वो फिल्म की कहानी के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाते और वो नुसरत भरूचा अभिनेत गीत पी दत्ता के साथ और जो दो वही जो दो दिसंबर दो को रिलीज किया गया था और गीत मस्कअली टू को दो हजार नौ की रिलीज दिल्ली सिक्स के गीत मसकली का एक पुनर्निर्मित संस्करण है और आठ अप्रैल दो हजार बीस को रिलीज किया गया था वहीं मूल रूप से पाकिस्तानी कवाल नुसरत फतेह अली खान द्वारा गाया गया एक पाकिस्तानी गीत सोना पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम द्वारा फिल्मों के के लिए कवर किया गया था फरवरी 2019 में ऑल इंडियन सिने एसोसिएशन ने सभी पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था वहीं इसलिए ट्रैक को अंतिम समय में भारतीय गायक जुबी नोटियाल द्वारा गायक गए एक संस्करण से बदला और वहीं बदल दिया गया था हालांकि ये गाना पाकिस्तानी कवाली का कवर बन रहा था जून 2020 में टी सीरीज ने यूट्यूब पर आतिफ असलम द्वारा गाया गया प्रारंभिक कवर जारी किया हालांकि इसे दूरदराज भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी महाराष्ट्र और वही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेतृत्व में एक धमकी भरे अभियान के बाद इसे हटाने और माफी जारी करने के लिए फिर से मजबूर किया गया था फिल्म के गाने को यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन मिला वहीं फिल्म के बारे में इसके कुछ दस इंटरेस्टिंग बात के बारे में अगर हम आपको बताएं तो मरजावा हिंदी लैंग्वेज में बनी एक रोमांटिक एक्शन मसाला फिल्म थी जो 15 नवंबर 2019 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में और इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख तारा सुतारिया और रकुलप्रीत सिंह जैसे कई बड़े एक्ट्रेस नज़र आए थे इनके अलावा नूरा फतेही और नुसरत भरू चा भी अलग-अलग आइटम्स और आइटम सॉन्ग में कैमियो करती नजर आई थी इस फिल्म की स्टोरी और डायरेक्शन का ना और काम मिलाप मिलन जावेरी ने किया था वहीं बात देखि मरजावा के अलावा मिलाप मिलन जावेरी ने रितेश देशमुख के साथ जाने कहां से आई है तुषार कपूर और वीरदास के साथ और वहीं वीरदास के साथ मस्त और मस्ती जादे और जान अब्राहम के साथ सत्यमेव जयते जैसे फिल्में भी बनाई है इनकी आने वाली फिल्मों में सत्यमेव जयते तो शामिल है जो अगले मई और जो अगले बारह मई 2021 के ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी इसके अलावा अमर फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो इस फिल्म को भूषण कुमार और निखिल आडवाणी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है वहीं इस फिल्म का म्यूजिक तनिष्क बाग जी मिड ब्रोज पायल देव और यो यो हनी सिंह ने मिलकर कंपोज किया था फिल्म में आठ गाने थे और सभी गाने उस साल काफी पसंद किए गए थे खासकर जो भी नोटियाल का गाना तुम ही आना उस साल सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था बाद में इस फिल्म के कई गाने पुराने गानों से दोबारा रिक्रिएट किए गए थे और इनमें एक गाना एक तो कम जिंद अनिल कपूर की फिल्म जानबाज के गाने प्यार दो प्यार लो से रिमिक्स किया गया था बाद दे और वही फिल्म के लिए ओरिजिनल गाने को अक्षय कुमार को मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्म थैंक यू में म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने भी इस्तेमाल किया था मर जावा फिल्म एक दूसरा गाना है हैया हो विनोद खन्ना की फिल्म दयावान के गाने चाहे मेरी जान तू ले ले से दोबारा रिक्रिएट किया गया था इसके अलावा और इसके अलावा तीसरा गाना किन्ना सोना पाकिस्तानी सिंगर नसरत फतेह अली खान की ओरिजिनल कवाली किन्ना सोना तेनू से इस और वही इंस्पायर था जिसे पाकिस्तान के ही सिंगर आतिफ असलम ने गाया था वहीं लेकिन पाकिस्तानी कलाकारों के इंडिया में बैन होने की वजह से इन गाने का काफ़ी विरोध किया गया था जिसकी वजह से ये गाना दोबारा जुबी नोटियाल से रिकॉर्ड करवाया गया और इनके अलावा फिल्म के लिए रिकॉर्ड किए गए दो गाने फिल्म में ही नहीं रखे गए थे और इनमें हनी संग और हनी सिंह का गाना पी और पी डेट के और वहीं और मशक्क अली फिल्म की रिलीज़ के काफ़ी दिनों बाद रिलीज़ किए गए थे मसक 2.0 टू पॉइंट साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म दिल्ली सिक्स के गाने मसकअली से दोबारा रिक्रिएट किया गया था जो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया पर भी इसे कई दिनों तक ट्रोल किया गया था मरजावा फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा रघु रितेश देशमुख विष्णु शेट्टी और तारा सुतारिया जोया के किरदार में नजर आई है रघुआनाथ है और जिसे बचपन से विष्णु के फादर अन्ना ने पाला है जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है अन्ना हमेशा से ही रघु को अपने बेटे से ज्यादा चाहता है इसी वजह से विष्णु रघु से नफरत करता है इसी बीच रघु की लाइफ में जोया की एंट्री होती है दोनों काफी खुश होते हैं लेकिन विष्णु उसकी खुशियाँ छीनना चाहता है और तभी ऐसी और ऐसी बनाता है कि रघु जोया को खुद गोली मार देता है इसके बाद रघु जेल चला जाता है जेल से वापसी और वहीं वापस आने के बाद वो कैसे रघु से बदला लेता है और वहीं ये और वहीं यही फिल्म और फिल्म में दिखाया गया है फिल्म में कई और कई जगह हमें दमदार डायलॉग देखने को मिलता है साथ ही कई और कई जगह और कई जगह सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक्शन सीक्वेंस भी कमाल करते हैं तीस अक्टूबर 2018 में सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि और बताया था कि ये फिल्म 2 अक्टूबर 2019 में रिलीज की जाएगी और वहीं रिलीज होने और वहीं लेकिन इस दिन ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ़ की फिल्म वो रिलीज होनी थी और इस वजह से मेकर्स ने मर की रिलीज डेट आगे बढ़ाकर 8 नवंबर कर दी थी वहीं लेकिन इस दिन आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला की रिलीज होने वाली थी इसके बाद मेकर्स ने फाइनलिंग इस फिल्म को 15 नवंबर को रिलीज किया इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से ज़्यादातर नेगेटिव रिव्यू मिले थे वहीं इतना ही नहीं आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला मरजावा से ठीक एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी और बाला अगले दो हफ्तों तक भी सिनेमाघरों में टिकी नहीं रही थी इसी वजह से इसका सीधा असर मरजावा की कमाई पर देख ने को मिला था वहीं हालांकि ऑडियंस ने इस फिल्म के लिए काफ़ी प्यार दिखाया इसलिए ये फिल्म अपना बजट निकालने में कामयाब रही फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े इस प्रकार हमें दिखाई जाती है कि फिल्म का बजट अड़चालीस करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छी कमाई भी की और फिल्म के लिए इसने 48 करोड़ की कमाई कर ली थी जो सिर्फ इंडिया की कमाई थी अगर हम पूरे और अगर हम पूरे दूसरे देशों की बात करें तो फिल्म ने 66 करोड़ की कमाई तो ऐसे ही कर ली थी हालांकि इस फिल्म से ऑडियंस को काफ़ी उम्मीदें थी लेकिन काफ़ी लोगों की उम्मीदों पर यह फिल्म खरी और खरी नहीं उतर पाई और बॉक्स ऑफिस पर अब वो एवरेज साबित हुई थी वहीं मरजावा के अलावा साल दो में और साल दो में कई बड़े फिल्में रिलीज हुई थी उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जमकर की इस साल सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में पहले नंबर पर ऋतिक रोशन और टाइगर चौथे नंबर पर, पर, पर सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत और पांचवें नंबर पर अक्षय कुमार और दिलजीत की फिल्म गुड न्यूज थी वहीं फिल्म के एक सीन में और सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा कुछ गुंडों से लड़ते हैं और इस दिन में उसके और वहीं उनके शोल्डर और पीठ पर और पीठ पर आग लग जाती है इस सीन को शूट करने से पहले टीम ने बॉडी डबल का इस्तेमाल करने की प्लानिंग की हुई थी लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा को जब पता चला तो उन्होंने बॉडी डबल के लिए मना कर दिया और ये सीन खुद कम और वहीं ये सीन खुद कंप्लीट की वहीं हालांकि इस दौरान उन्हें थोड़ी चोट जरूर आई थी और इस बारे में फिल्म के डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेरी भी सिद्धार्थ की कई इंटरव्यू में तारीफ कर चुके हैं वहीं फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख और रितेश देशमुख इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए थे बाद में इससे पहले इन दोनों को साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म एक विलन में एक साथ देखा गया था यह फिल्म ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर रही थी इतना ही नहीं मर में जब सिद्धार्थ के सामने रितेश देशमुख की एंट्री दिखाई जाती है तो वो फिल्म एक विलन का ही सुपरहिट गाना तेरी गलियां गुनगुनाते हुए नजर आते हैं फिल्म में रितेश देशमुख पहली बार एक बौने के किरदार में रितेश रितेश और ये भी बताया था कि फिल्म में उनके बोने किरदार के अलावा कई जगह शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और रेड चिलीज बी ने काफी मदद की थी क्योंकि मर से पहले शाहरुख अपनी फिल्म जीरो में ठीक ऐसा और ठीक ऐसा ही किरदार निभा चुके हैं जिसमें उन्हीं की कंपनी ने काम किया था वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट रही इसके बाद इन्हें कई में और कई फिल्मों में देख, देखा जा चुका है इन और वहीं अब फिल्म के लिए इनमें हंसी तो फंसी ब्रदर्स कपूर एंड सन्स जैसी कई फिल्में शामिल है मरजावा की रिलीज से काफ़ी टाइम पहले सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपनी फिल्म में नाइन्टी टाइप हीरो का रोल प्ले करना चाहते थे सिद्धार्थ को ये मौका फिल्म मरजावा में और मरजावा में मिला इस फिल्म में नाइन्टीज की फिल्मों की तरह बदले की स्टोरी दमदार डायलॉग और काफ़ी सारे गाने भी रखे गए थे वहीं मरजावा फिल्म के लिए एक से कई सारे एक्शन दृश्यों को भी दिखाया गया था और फिल्म के लिए इसके सभी आभूषणों को देखा गया था फिल्म के लिए ड्रेसिंग सेंस को भी लाया गया था वहीं फिल्म के लिए अन्य कलाकारों में शादरन ढावा रवि किशन और अनंत जोग थे फिल्म के लिए सिनेमाटोग्राफी कर रहे थे निगम बोमजान और इसके एडिटर थे माहिर जावेरी वहीं फिल्म को म्यूजिक दिया था तनेश के बागची मेद ब्रोस ने फिल्म को टी सीरीज और एम एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया वहीं फिल्म को पेन मरूधर सिने एंटरटेनमेंट और इनो, और इरोस इंटरनेशनल के बैनर तले वितरित किया गया था फिल्म का अड़चालीस करोड़ के बजट पर बनाया गया और इसने पूरे दुनिया में 66 करोड़ की कुल कमाई कर ली थी फिल्म के कई सारे गानों को दर्शकों ने पसंद किया साथ ही साथ आलोचकों ने फिल्म के लिए इसके कई सारे दर्शकों द्वारा प्रशंसित इसके कई सारे अभियानों को एक साथ दिखाया गया जो कि फिल्म के लिए प्रस्तुति कर रहे और फिल्म के लिए इनके खुद के इस प्रदर्शन को आलोचकों के साथ साथ कई सारे अन्य दर्शकों के साथ पसंद किया गया था वहीं फिल्म के लिए इसके सिप्नोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो फिल्म की कहानी रघु से शुरू होती है रघु स्थानीय ठग नारायण अन्ना का वफादार गुंडा है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित करता है रघु पर अन्ना की निर्भरता अन्ना के बेटे विष्णु के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठती है जिसका परि और जिसका परिसर केवल उसके छोटे कद से अधिक है क्योंकि वो केवल तीन फीट लंबा है वहीं जब रघु जोया के प्यार में पड़ जाता है जो एक को संगीत की ओर झुकाव रखने वाली कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को संगीत सिखाती है विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडों को बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के अवसर पर कूद पड़ता है वहीं विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गाय टोड़े का अपहरण कर लिया होता है और एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह के लिए चुना था जोया ये देखती है और भाग जाती है वहीं लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति उसके उपस्थिति को देख सकता था वहीं विष्णु अन्ना को बताता है कि गाय तोड़े की हत्या का एक चश्मदीद गवाह था और वह गवाह जोया है इसलिए अन्ना रघु को जोया को मारने का आदेश देता है और ये नहीं जानते हुए कि रघु से प्यार करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रघु जोया को ढूंढ और वहीं ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की कोशिश करता है लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का आदेश देता है ऐना रघु को कहती है कि और वहीं ऐना रघु को कहता है और कहती है कि अगर वो केवल जोया को मारेगा तो वो और बच्चे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वह गाय टोड़े की हत्या की चश्मदीद गवाह है जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वो और उसके बच्चे सुरक्षित रहे जोया रघु को बंदूक देती है अपना अंगूठा उसके ऊपर रखती है ट्रिगर खींचती है और उसकी बाहों में मर जाती है पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक रघु को गिरफ्तार किया जेल में रघुदास और वहीं दिल टूटा हुआ पाता है बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में और दफनाने में मदद करते हैं वहीं विष्णु जेल में और जेल में रघु को मारने की कोशिश करता है ये जानकर कि क्या वो रिहा हो जाएगा वो बदला लेगा हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की पिटाई करता है तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के पैर को पर हमला करता है और काट देता है क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी वहीं जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को जा और रघु को आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में मदद करता है रघु की रिहाई पर उसे मारने की योजना बना रहा होता है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु पहले जैसा नहीं है और ऐना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन रघु की मौत हो गई विष्णु रघु को उसके पुराने तरि...

के साथ शामिल हो जाते हैं अब बात करें फिल्म के कास्टिंग के बारे में तो फिल्म में रितेश देशमुख सर ने विष्णु शेट्टी केदार को निभाया सिद्धार्थ मल्होत्रा सर ने रघुवेंद्र उल्फ रघुनाथ की भूमिका निभाई तारा सुतारिया ने जोयाद की भूमिका निभाई रघुल प्रीत सिंह ने आरजू हुसैन की भूमिका निभाई वहीं नाथ सर ने नारायण शेट्टी के केदार को उल्फ नारायण अन्ना की भूमिका निभाई वहीं अन्य सहायक कलाकारों में शाद रंधावा इसमें कई बड़े फिल्म रिलीज़ हुई थी उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की इस साल सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में पहले नंबर पर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर दूसरे नंबर पर शाहिद कपूर स्टारर कबीर सिंह तीसरे नंबर पर विक्की कौशल की फिल्म उरीदा सर्जिकल स्ट्राइक चौथे नंबर पर सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत और पांचवें नंबर पर अक्षय कुमार और दिलजीत दोसांझ की फिल्म गुड न्यूज़ थी वहीं फिल्म के सीन में और सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा कुछ गुंडों से लड़ते हैं और इस सीन में उसके और वहीं उनके शोल्डर और पीर पर और पीठ पर आग लग जाती है इस सीन को शूट करने से पहले टीम ने बॉडी डबल का इस्तेमाल करने की प्लानिंग की हुई थी लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा को जब पता चला तो उन्होंने बॉडी डबल के लिए मना कर दिया और ये सीन खुद कम और वहीं ये सीन खुद कंप्लीट की वहीं हालांकि इस दौरान उन्हें थोड़ी चोट जरूर आई थी और इस बारे में फिल्म के डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेरी भी सिद्धार्थ की कई इंटरव्यू में तारीफ कर चुके हैं वहीं फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख और रितेश देशमुख इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए थे बाद में इससे पहले इन दोनों को साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म एक विलन में एक साथ देखा गया था यह फिल्म ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर रही थी इतना ही नहीं मर में जब सिद्धार्थ के सामने रितेश देशमुख की एंट्री दिखाई जाती है तो वो फिल्म एक विलन का ही सुपरहिट गाना

अपने फिल्म जीरो में ठीक ऐसा और ठीक ऐसा ही किरदार निभा चुके हैं जिसमें उन्हीं की कंपनी ने काम किया था वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट रही इसके बाद इन्हें इन्हेंई और कई फिल्मों में देख, देखा जा चुका है इन और वहीं अब फिल्म के लिए इनमें हंसी तो फंसी ब्रदर्स कपूर एंड सन्स जैसी कई फिल्में शामिल है मरजावा जावा की रिलीज से काफ़ी टाइम पहले सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपनी फिल्म में नाइन्टी हीरो का रोल प्ले करना चाहते थे सिद्धार्थ को ये मौका फिल्म में और में में मिला इस फिल्म नाइन्टी की, की तरह बदले की स्टोरी दमदार डायलॉग और काफी सारे गाने भी रखे गए थे वहीं मरजावा फिल्म के लिए इससे कई सारे एक्शन दृश्यों को भी दिखाया गया था और फिल्म के लिए इसके सभी आभूषणों को देखा गया था फिल्म के लिए ड्रेसिंग सेंस को भी लाया गया था वहीं फिल्म के लिए अन्य कलाकारों में शादरन ढावा रवि किशन और अनंत जोग थे फिल्म के लिए सिनेमाटोग्राफी कर रहे थे निगम बोमजान और इसके एडिटर थे माहिर जावेरी वहीं फिल्म को म्यूजिक दिया था तनेश के बागची मेद ब्रोस ने फिल्म को टी सीरीज और एम एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया वहीं फिल्म को पेन मरूधर सिने एंटरटेनमेंट और इनो, और इरोस इंटरनेशनल के बैनर तले वितरित किया गया था फिल्म का 40 करोड़ के बजट पर बनाया गया और इसने पूरे दुनिया में 66 करोड़ की कुल कमाई कर ली थी फिल्म के कई सारे गानों को दर्शकों ने पसंद किया साथ ही साथ आलोचकों ने फिल्म के लिए इसके कई सारे दर्शकों द्वारा प्रशंसित इसके कई सारे अभियानों को एक साथ दिखाया गया जो कि फिल्म के लिए प्रस्तुति कर रहे और फिल्म के लिए इनके खुद के इस प्रदर्शन को आलोचकों के साथ-साथ कई सारे अन्य दर्शकों के साथ पसंद किया गया था वहीं फिल्म के लिए इसके सिप्नोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो फिल्म की कहानी रघु से शुरू होती है रघु स्थानीय ठग नारायण अन्ना का वफ़ादार गुंडा है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित करता है रघु पर अन्ना की निर्भरता अन्ना के बेटे विष्णु के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठती है जिसका परि और जिसका परिसर केवल उसके छोटे कद से अधिक है क्योंकि वो केवल तीन फीट लंबा है वहीं जब रघु जोया के प्यार में पड़ जाता है जो एक मोकु संगीत की ओर झुकाव रखने वाली कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को संगीत सिखाती है विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडों को बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के अवसर पर कूद पड़ता है वहीं विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गाय टोड़े का अपहरण कर लिया होता है और एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह के लिए चुना था जोया ये देखती है और भाग जाती है वहीं लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति उसकी उपस्थिति को देख सकता था वहीं विष्णु अन्ना को बताता है कि गाय तोड़े की हत्या का एक चश्मदीद गवाह था और वह गवाह जोया है इसलिए अन्ना रघु को जोया को मारने का आदेश देता है और ये नहीं जानते हुए कि रघु से प्यार करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रघु जोया को ढूंढ और वहीं ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की कोशिश करता है लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का आदेश देता है ऐना रघु को कहती है कि और वहीं ऐना रघु को कहता है और कहती है कि अगर वो केवल जोया को मारेगा तो वो और बच्चे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वह गाय टोड़े की हत्या की चश्मदीद गवाह है जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि कि वो और उसके बच्चे सुरक्षित रहे जोया रघु को बंदूक देती है अपना अंगूठा उसके ऊपर रखती है ट्रिगर खींचती है और उसके बाहों में मर जाती है पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक रघु को गिरफ्तार किया जेल में रघु दास और वहीं दिल टूटा हुआ पाता है बच्चे और रघु के दोस्त जया को दफनाने में और दफनाने में मदद करते हैं वहीं विष्णु जेल में र, और जेल में रघु को मारने की कोशिश करता है ये जानकर कि क्या वो रिहा हो जाएगा वो बदला लेगा हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की पिटाई करता है तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के पैर को पर हमला करता है और काट देता है क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी वहीं जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को जा और रघु को आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में मदद करता है रघु की रिहाई पर उसे मारने की योजना बना रहा होता है हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु पहले जैसा नहीं है और ऐना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन रघु की मौत हो गई विष्णु रघु को उसके पुराने

के साथ शामिल हो जाते हैं अब बात करें फिल्म के कास्टिंग के बारे में तो फिल्म में रितेश देशमुख सर ने विष्णु के के की आरजू हसैन की भूमिका निभाई।, निभाई वही नाथ सर ने नारायण शेट्टी के केदार को उल्फ नारायण अन्ना की भूमिका निभाई वहीं अन्य सहायक कलाकारों में शाद रंधावा रवि किशन कनोजिया अनंतोग अमित मेहरा वरिंद्र सिंह हुमान और वही गोडान कुमार भी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा